गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? यस, बताइए, मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग शिवम, आंचल शिवम, गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, मैं सभी को बता दूं कि चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस जो है वो अपडेट अगले महीने के 15 तारीख तक हो गए, यानी अराउंड 15 और 20 अगस्त के आसपास तक वो अपडेट होके आएंगे। लेकिन मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि फटाफट अगर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन देखनी है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो वो आप देख लो। अमेंडमेंट्स तो मैं करवा ही रहा हूँ, कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, आप देख चुके हो, तो फटाफट वो देखना चालू कर दो जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अमेंडमेंट साथ में देख लो, तब तक क्यों रुकते हो? और साथ साथ में क्वेश्चनेयर्स देखना भी शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि आपका आईडीटी का सिलेबस, अगर बहुत अच्छा प्लान करना है तो आईडीटी का सिलेबस पूरा एक बार रिवाइज करके साथ साथ में अमेंडमेंट्स को देखकर 10 या 15 अगस्त तक ख़त्म हो जाना चाहिए, और बाद में क्वेश्चनर्स पे, आरटीपी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप प्लान बना सकते हो। वेरी गुड अमन, एग्जम्पशन मिला 62 मार्क्स इन आईडीटी, वेरी गुड बेटा। आपको शायद लिंक मिली होगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जम्पशन है, एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे स्टूडेंट्स को इस बार एग्जम्पशन है। आई होप दो बातें हो सकती है, एक तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाई है, साथ साथ में मेरा गाइडेंस थोड़ा बहुत आपको अच्छा मिला, तो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जम्पशन से यहाँ पे मिले हैं। तो शायद आपको लिंक आ गई होगी, एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारे तरफ से आएगा जिनको भी एग्जम्पशन है, तो आप वो लिंक पे अपडेट कीजिए बेटा। थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू। सिक्सटी एट मार्क्स इन आईडीटी, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। और अगर आप सीए बन गए होगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, आपको आपके सारे ड्रीम्स बिल्कुल पूरे हो गए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, सो दोस्तों, अमेंडमेंट का पहला सेशन जो है हमने देख लिया था, अब ये अमेंडमेंट का सेकंड सेशन, आज हमारा सेशन 1.5 घंटा चलेगा, और ये 1.5 घंटे में बची हुई सारी अमेंडमेंट्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और आपके अगर कोई डाउट्स क्वेश्चन हो तो हम सेशन के एंड में मैं कवर कर लूँगा। तो ये सारी अमेंडमेंट्स हम फटाफट देख लेते हैं। तो अब आ जाइए अमेंडमेंट्स आईजीएसटी पे, अंडर आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट ऑलरेडी लास्ट एग्जाम के लिए कवर हो गई थी, यानी जिन्होंने भी May 22 एग्जामिनेशन दिया उसमें भी ये अमेंडमेंट अप्लीकेबल थी, लेकिन अभी जो इंस्टीट्यूट ने स्टैट्यूटरी अपडेट्स दिया है उसमें फिर से रिपीट किया है, तो मैंने भी अपने अमेंडमेंट्स में फिर से रिपीट कर लिया। ऐसे बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जो ऑलरेडी लास्ट May 22 एग्जामिनेशन को लागू थी, लेकिन वापस हमारी ये स्टेचुटरी अपडेट्स में कवर होने की वजह से मैंने फिर से कवर कर लिया है, देख लीजिएगा। एक छोटी सी अमेंडमेंट यहाँ पूरे आईजीएसटी एक्ट एंड चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई में हुई है, ठीक है? आर यू विथ मी? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए जो भी कनेक्टेड है, हाउस द जोश? हाय सर, ये ना बात। तो चलिए, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पावर टू नोटिफाई द सर्विस टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, सेक्शन 13। सबसे पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 13 कब अप्लाई होता है, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 13 अप्लाई होता है जब कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर है, और
सर्विस सेक्टर में प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना हो तो सेक्शन 13 अप्लाई किया जाता है। इसमें एक लास्ट रेसिडुअल सेक्शन है और वो है कि अगर कहीं डबल टैक्सेशन होता है, गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जीएसटी हमारे कंट्री में भी पे किया जा रहा है और अदर कंट्री में भी पे किया जा रहा है, या नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंट्री में भी नहीं पे हो रहा और वो कंट्री में भी पे नहीं हो रहा है, ओके, या यूनिफॉर्म अप्लीकेशन ऑफ रूल्स, या गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, रूल्स यूनिफॉर्मली अप्लाई होने चाहिए। तो ये तीन रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई इसके पहले एक्सप्लेन किए हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ केसेस में चेंज कर सकती है। और गवर्नमेंट ने अगर ये सब क्लॉज यहाँ पे यस सब क्लॉज 13 में अगर कोई सर्विस नोटिफाई की जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ कुछ अलग वे से नोटिफाई किया है तो आपको वो प्लेस ऑफ सप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमने ऑलरेडी दो सर्विसेज देखी थी जो इसमें नोटिफाइड है, वेसल और एक क्राफ्ट से रिलेटेड। अब उन्होंने स्पेशली जहाँ तक देखा जाए तो यस, तो स्पेशली अभी इन्होंने एक सर्विस जो लास्ट टाइम ही नोटिफाई किया था पर फिर से ले रहा हूँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप और वेसल। जैसे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, रीज़न मैंने नीचे दिया है, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो है रिपेयर सर्विस देती है इंडिया में, स्पेशली इंडियन शिपिंग कंपनीज होती है और इनको रिपेयर सर्विस देती है इंडिया में, ठीक है। अब क्या होता है, कोई इंडिया का बंदा है, वो अपनी शिप बेचता है इंडिया के बाहर, ओके, सर्विस लेने वाला इंडिया में है, अब वो अपनी शिप्स इंडिया के बाहर भेज रहा है, और वो अगर अपनी शिप इंडिया के बाहर भेज रहा है फॉर रिपेयरिंग मेंटेनेंस और ओवरऑल सर्विसेज, जिसको मैं शॉर्ट में कहूँगा MRO सर्विसेज, ओके, आप लिख सकते हो वहाँ पे, तो MRO सर्विसेज। तो दोस्तों ये जो MRO सर्विस है, मेंटेनेंस रिपेयर्स और ओवरऑल सर्विसेज रिगार्डिंग टू शिप और वेसल्स एंड देयर इंजिन एंड अदर कंपोनेंट्स पार्ट्स टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये जो सर्विसेज दे रही है, तो अब सेक्शन 13 क्या, सेक्शन 13 में अगर आपको सेक्शन 13(3) याद होगा तो सेक्शन 13(3) में एक प्रोविजन है कि अगर सर्विस का नेचर कुछ ऐसा है कि जहाँ गुड्स फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है तो वो सिचुएशन में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। अब अगर कोई इंडियन शिपिंग कंपनी है और वो अपनी शिप इंडिया के बाहर भेज रहा है और वो जो अपनी शिप इंडिया के बाहर भेज रहा है फॉर रिपेयर, और फॉरेन कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस प्रोवाइडर रिपेयर सर्विस दे रहा है या MRO सर्विसेज दे रहा है, ओके, अब कहाँ सर्विस फिजिकली परफॉर्म की, तो सर्विस फिजिकली परफॉर्म की, ध्यान सुनिएगा, सर्विस फिजिकली परफॉर्म की इंडिया के बाहर, तो मैं अगर सेक्शन 13(3) लगाऊँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा, समझ लो ये USA है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई USA हो जाएगा, ओके। अब देखो, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया का है, रिसिपिएंट इंडिया का है, लेकिन ये इंपोर्ट सर्विस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा इंपोर्ट सर्विस, क्योंकि इंपोर्ट सर्विस होने के लिए और रिवर चार्ज में टैक्स होने के लिए, ध्यान सुनना, इंपोर्ट सर्विस होने के लिए तीन कंडीशन जरूरी है। एक, ओके, जहां तक है सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ओके, तो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तो यस आउटसाइड इंडिया है। रिसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया, तो यस वो इंडिया में है। लेकिन एक और कंडीशन है इंपोर्ट सर्विस होने के लिए और वो ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंडिया में होना चाहिए। लेकिन यह प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मैं सेक्शन 13(3) अप्लाई कर दूँ, ओके, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे हो जाएगा और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस US में है, इसलिए वो इंपोर्ट सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। और अगर ये इंपोर्ट सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आया तो रिवर चार्ज में लायबिलिटी नहीं आएगी और कोई भी टैक्स नहीं देगा। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेशली ये जो सर्विस नोटिफाई की, MRO सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट, और ये MRO सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट होगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(3) से फिक्स नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली वो सेक्शन 13(3) से फिक्स होता है, लेकिन अब वो सेक्शन 13(3) से फिक्स नहीं होगा, ओके, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, ओके, यहाँ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, मतलब ओके, यहाँ रिसिपिएंट कहाँ का है, इंडिया का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा। जैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा उसे
इंपोर्ट सर्विस कह दिया जाएगा। और फिर आप कहोगे सर अगर इसको इंपोर्ट सर्विस कह दिया तो सर फिर इस पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी आ जाएगा। यस, गवर्नमेंट इस पे जीएसटी कलेक्ट करना चाहती है क्योंकि ये इसको जीएसटी से छूट मिल रही थी। गवर्नमेंट इस पर जीएसटी कलेक्ट करना चाहती है इसलिए गवर्नमेंट ने इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बदल दिया और प्लेस ऑफ सप्लाई बदल के इसको इम्पोर्ट सर्विस ट्रीट कर दिया और इम्पोर्ट सर्विस ट्रीट करके इस पे लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। बस बेटा इतनी सी अमेंडमेंट थी, बाकी तो कुछ नहीं। ये तो लास्ट अटेम्प्ट में भी लागू थी। ओके, समझ में आया तो प्लीज़ यस बोलिएगा। ओके, तो यहाँ मुझे जब आप रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे समझेगा कि मेरी पढ़ाने की ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, इनडेप्थनेस क्या होना चाहिए, उसकी डीप डीपनेस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये हमने देखा यहाँ पे रिगार्डिंग टू IGST एक्ट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जो हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे अब इसकी, टैक्स इनवॉइस की जो अमेंडमेंट्स हुई है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर में, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है, चलो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुई है वो आपको याद रखना है। जैसे ई इनवॉइस की लिमिट पहले 50 करोड़ थी, अब वो 20 करोड़ पे लेके आ गए फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसके आगे तो उन्होंने और कम कर दिए यहाँ पे ई इनवॉइस की लिमिट। मतलब पहले मुझे याद है पहले 500 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़। ओके, और अब वो 20 करोड़, फ्यूचर में तो वो सबको कंपलसरी कर देंगे ई इनवॉइस। तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको क्या याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको ये याद रखनी है कि ई इनवॉइस अब 50 करोड़ की लिमिट पे नहीं रहा, अब जो ई इनवॉइस रहा वो 20 करोड़ के लिमिट पे हो गया है। यानी 2017-18 से लेके, आई रिपीट, 2017-18 से लेके तो यहाँ पे 2021-22 ये फिनेंशियल ईयर में, यानी 2017-18 से लेके तो 2021-22 कोई भी प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में आपने किसी भी, कोई भी एक ईयर में, आई रिपीट द वर्ड्स, कोई भी एक ईयर में, एनी ऑफ द प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर, ओके, आपने अगर यहाँ पे 20 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा, कोई भी एक ईयर में 20 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा, तो आपको इनवॉइस की प्रोविजन लागू कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको इनवॉइस यहाँ पे प्रोविजन लागू हो जाएगी। तो अमेंडमेंट आपको 20 करोड़ कर देना है, फटाफट बुक में उतना चेंज कर देना है और ये याद रखना है। हाँ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में तो ये लास्ट अटेम्प्ट को भी अप्लीकेबल था और अभी भी इन्होंने दिया है कि इनवॉइस किसको लागू नहीं होगा। तो इनवॉइस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट, आई रिपीट, स्पेशल इकोनॉमिक SEZ यूनिट्स, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरर्स, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर और मल्टीप्लेक्सेस। ओके, इनको ई इनवॉइस की प्रोविजन लागू नहीं होगी। इनके अलावा अगर 2017-18 से लेके अभी तक किसी भी प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में आपने 20 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा तो ई इनवॉइस यहाँ कंपलसरी हो जाएगा। ओके, तो एक छोटी सी अमेंडमेंट यहाँ पे थी। नाउ अब हम बात करेंगे डायनामिक QR कोड, जिससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया है जो मैं नीचे पढ़ा होगा। पहले डायनामिक QR कोड की प्रोविजंस आपको बता देता हूँ। ओके, आपको आपके इनवॉइस में डायनामिक QR कोड यूज करने पड़ेंगे। और ये डायनामिक QR कोड की प्रोविजन क्या है, अगर आपका सप्लाई, वैसे ई इनवॉइस में तो कंपलसरी है, यानी जिसको भी ई इनवॉइस लागू है, जिसको भी ई इनवॉइस लागू है उनको तो कंपलसरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डायनामिक QR कोड की प्रोविजन, इनवॉइस की लिमिट तो कम कर दी उन्होंने 20 करोड़, पर अकॉर्डिंगली QR कोड की जो अप्लीकेबिलिटी है वो कम नहीं किया है। इस चार्ट में थोड़ा एक चेंज कर लेना, यहाँ पे 50 करोड़ की जगह 20 करोड़ कर देना इस चार्ट में, और आपके इसमें भी 50 करोड़ की जगह 20 करोड़ यहाँ पे, ये मेरे चार्ट में 20 करोड़ आपने कर लेना। ठीक है,
अब देखो, सप्लाई ऑफ ट्रांजेक्शन बी टू बी और बी टू सी। बी टू बी होगा और आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 अप टू 20 करोड़ होगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे भी टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हुई है, यहाँ पे भी 20 करोड़ सी है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ मेरे चार्ट में यहाँ पे भी वो मिस्टेक हुई कि एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 20 करोड़, यहाँ पे भी 20 CR, यहाँ पे भी 20 CR। देखो, अगर आपका सिंपल वर्ड में मैं अगर ये कहूँ, ओके, सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो बेटा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ इनवॉइस में आ रहा है, मतलब इनवॉइस की अभी जो कंडीशन है 20 CR, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर इनवॉइस के अंडर में आ रहा है, तो वो सिचुएशन में बेटा आपको तो क्यूआर कोड देने ही पड़ेंगे, स्पेशली ट्रांजेक्शन बी टू सी, क्योंकि इनवॉइस बी टू बी में अप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपके ट्रांजेक्शन बी टू सी हो गए, और बी टू सी के केस में क्यूआर कोड कब मैंडेटरी होगा, तो वो सिचुएशन में इन्होंने कहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 500 CR तक होगा तो नो नीड टू जनरेट क्यूआर कोड। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आपको क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। सिंपल लाइन में, अगर आपका ईवे ई इनवॉइस में आ रहा है तो आपको तो क्यूआर कोड बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ई इनवॉइस बनता ही नहीं है। लेकिन बी टू सी के केस में, आई रिपीट, बी टू सी के केस में आपको जो है यहाँ पे 500 करोड़, आई रिपीट, 500 करोड़ की कंडीशंस पे है। इस पे उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, देखिए, एक इश्यू जो आया था वो, इन केसेस वेयर रिसीवर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आई रिपीट, रिसीवर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस थ्रू आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया।
then such supply of service is not considered as an export service under the IGST Act. Whether in such cases dynamic QR code is required on invoice issued for such supply of service to such recipient located outside India. तो देखिए यहाँ पे ये केस स्टडी ध्यान से देखिएगा कि रिसीवर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया इंडिया के बाहर है और वो एक्सपोर्ट सर्विस नहीं है, मतलब यहाँ क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट सर्विस होने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, पर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हुआ. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हुआ है तो हम उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट सर्विस नहीं कही जाएगी, और एक्सपोर्ट सर्विस नहीं कही जाएगी तो वो सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो उस पर जीएसटी आएगा. तो क्या उस पर भी क्यूआर कोड होना जरूरी है? तो आंसर आया नो. व्हेनेवर इनवॉइस इज इश्यूड टू अ रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर विच द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में एज पर द प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई, सच इनवॉइस मे बी इश्यूड विदाउट हैविंग डायनामिक क्यूआर कोड एंड कैनॉट बी इश्यूड बाय रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सप्लायर. मतलब इन सिंपल वर्ड उस पर क्यूआर कोड. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर आपने क्यूआर कोड नहीं भी दिया तो भी चलेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है बेटा, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन डायनामिक क्यूआर कोड से रिलेटेड. डन. नेक्स्ट चैप्टर में ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेटा रिटर्न की अमेंडमेंट्स, जो भी अमेंडमेंट्स हुई है रिटर्न चैप्टर से रिलेटेड. तो चलिए ये चैप्टर में हम रिटर्न की सारी अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, एनुअल रिटर्न, ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आपको लास्ट एग्जाम में अप्लीकेबल थी, पर आपके अभी के स्टैट्यूटरी अपडेट्स में ये अमेंडमेंट्स कवर्ड है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा. चलो अब डिस्कस करते हैं अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रिटर्न्स. क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है आपके एग्जाम से रिलेटेड? देखो एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो बेटा ये इसमें जो पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट्स थे बाय सीएसीएमए, तो उन्होंने यहाँ वो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स की प्रोविजन यहाँ विड्रॉ कर ली है और अब बाय सीएसीएमए ऑडिट्स करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अकॉर्डिंगली सेक्शन 44 में भी उन्होंने ये चेंजेस की है. ये अमेंडमेंट आपको लास्ट एग्जाम में लागू थी, अप्लीकेबल थी, और आपके अभी के स्टैट्यूटरी अपडेट्स में भी कवर्ड है. तो चलिए मैं इसको कवर कर लेता हूँ. तो एक क्वेश्चन था हमारे नोट्स में, उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ. हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड व्हाट इज द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब फॉर एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न टू बी फर्निश बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, अदर देन पर्सन पेइंग टैक्स एज अ टीडीएस टीसीएस सीटीपी और एनआरटीपी. तो चार लोग एनुअल रिटर्न नहीं देंगे. कौन कौन नहीं देगा? आईएसडी नहीं देगा, जो टीडीएस टीसीएस के लिए रजिस्टर्ड है वो नहीं देगा, सीटीपी नहीं देगा और एनआरटीपी नहीं देगा. ओके, इसके अलावा सारे रजिस्टर्ड पर्सन एनुअल रिटर्न देंगे. ठीक है, उसके बाद में सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसके साथ अटैच किया जाएगा. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड, पहले ऐसा था कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ बाय सीएसीएमए उन्होंने कहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही अटैच किया जाएगा. अब सीएसीएमए से आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उनसे फाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है. और इसके साथ साथ आपके एनुअल रिटर्न के साथ साथ ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर अदर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ बेनिफिट्स वगैरह थे कि एनुअल रिटर्न्स में, तो इम्पोर्टेंट बस यही थी अमेंडमेंट यहाँ पे कि ये जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यहाँ अब नॉट, इट शुड नॉट बी सर्टिफाइड बाय ओके सीएसीएमए, ये आप खुद ही सर्टिफाई करके दोगे। और साथ में मैंने यहाँ एक कमेंट दी, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 द सेड एनुअल रिटर्न एंड सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शैल बी फर्निश और बिफोर 20th डे ऑफ फेब्रुवरी 2022। काम का नहीं है, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये ईयर के लिए उन्होंने एक्सटेंशन भी दिया था। और आपको जो रेगुलर टैक्स पेयर है जीएसटीआर 9 में देना है, कंपोजिशन टैक्स पेयर जीएसटीआर 9A में देना है, और ये एनुअल रिटर्न आपको 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को देना पड़ता है। तो ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हमारी पहले हो चुकी थी, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में ये भी जो अमेंडमेंट अभी पढ़ाने वाला हो, पेनल्टीज, तो पेनल्टी की अलग अलग लिमिट्स यहाँ पे बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन ड्यू डेट्स। आई रिपीट, फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन ड्यू डेट। तो ये जो पेनल्टी की अलग अलग डेट्स है, ये अलग अलग डेट्स भी लास्ट अटेम्प्ट में भी लागू था और सेम अभी इन्होंने कवर किया है। तो ये आपने डेफिनेट, मैं एक बार रिवाइज करके दे दूंगा इसको। और अगर आपने GSTR1, आई रिपीट GSTR1 आपने ड्यू डेट को नहीं दिया, जो भी आपकी ड्यू डेट थी नॉर्मल स्कीम में या QRMP स्कीम में, या रिटर्न आपने नहीं दिए या फाइनल रिटर्न आपने नहीं दिए, तो आपको लेट फी है। वैसे तो सेक्शन 47 की लेट फी आपको याद होगी, तो 100 रुपीज़ पर डे ऑफ डिफॉल्ट पर मैक्सिमम 5,000 रुपीज़, ये CGST का, और SGST का 100 रुपीज़ और 5,000, तो ऐसे 200 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 10,000 जो है वो आपकी लेट फी यहाँ पे लगेगी। लेकिन अब देखो, गवर्नमेंट ने यहाँ पे थ्रू नोटिफिकेशन अलग अलग सिचुएशन बायफरगेट किया है, और सेक्शन 47 में लगने वाली लेट फी पूरी नहीं लगेगी। अगर आपके नील रिटर्न हो गए या आपके टर्न ओवर कम हो गए, तो उन्होंने जो लेट फी है वो कम कर दी है। चलो मैं थोड़ा ये चार्ट के बेस पे आपको समझा देता हूँ। अगर रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव अ नील आउटवर्ड सप्लाई, अंडरलाइन नील आउटवर्ड सप्लाईज इन द टैक्स पीरियड हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन GSTR 3B इज नील। हाँ, आपका टैक्स पेबल अगर नील होगा और आपने उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपकी लेट फी ओके पर डे यहाँ पे आपकी लेट फी पर डे ये यहाँ चार्ट में लिख देना, 100 रुपीज़ पर डे, 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200 पर डे, बट मैक्सिमम यहाँ लिख देना, बट मैक्सिमम 500। अगर आपके नोट्स में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स में नहीं होगा क्योंकि आज के सेशन के बाद जो भी करेक्शन है मैं वो करेक्शन नोट्स में डाल दूंगा और फिर से वो PDF में अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे 100 प्लस 100 यानी 200 रुपीज़, 100 CGST का, 100 SGST का, ओके, तो 100 CGST का और 100 SGST का यानी 200 रुपीज़ पर डे, ये जो है यहाँ पे आपको लगेगा पर मैक्सिमम 500 मतलब क्या है बेटा, 250 CGST का और 250 SGST का, ऐसे मैक्सिमम ओके 500 और IGST का 500, ऐसा लेट फी आपको लगेगा अगर आपका टैक्स पेबल नील रहेगा। तो नेक्स्ट, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो अदर देन दोस कवर्ड इन सबसेक्शन 1, मतलब आपका कुछ दैट इज सम टैक्स इज पेबल, दैट इज टैक्स इज पेबल, आपको कुछ टैक्स पेबल है, आपको कुछ टैक्स पेबल है, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये लेस देन और इक्वल्स टू 1.5 CR इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ पर डे, 200 कैसे आया, 100 प्लस 100 ऐसा लिखना पर डे,
200 रुपीज़ पर डे, बट मैक्सिमम यानी आपकी मैक्सिमम कितना होगा, तो 2000 यानी 1000 CGST का, 1000 SGST का, ऐसा मैक्सिमम 2000, इतना ही लेट फी आपको लगाया जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 5-1.5 करोड़ से ज़्यादा है, पर नॉट मोर देन 5 करोड़, यानी आपका टर्नओवर यहाँ पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा बट लेस देन और इक्वल्स टू 5 CR होगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे 200 रुपीज़ पर डे, रुपीज़ 200 पर डे, बट मैक्सिमम आपका मैक्सिमम जो है वो 5000 रहेगा। ओके, 2500 प्लस 2500, ऐसा मैक्सिमम 5000 रहेगा। तो ये लेट फी आपका 1.5 करोड़ के नीचे अगर टर्न ओवर होगा तो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और अगर आपका टर्न ओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगा तो वो केस में मैक्सिमम लेट फी दोनों एक्ट के मिला के 5000 होगी और 200 रुपीज़ पर डे। 200 कैसा, 100 प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ रजिस्टर पर्सन नॉट अदर देन 1 और 2, मतलब आप 1 और 2 में नहीं आते, दैट इज अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, या वह ऑलरेडी होगा तो इट्स ओके। दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 CR, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर जो लेट फी यहाँ पे सेक्शन 47 की है वो आपको अप्लीकेबल की जाएगी। मतलब आपका CGST का लेट फी 100 पर डे, ओके 100 पर डे लिखना हो तो लिख सकते हो, और मैक्सिमम 5000, और SGST का लेट फी 100, मैक्सिमम 5000, यानी आपका आएगा 200 रुपीज़ पर डे और वो मैक्सिमम कितना 10000, यहाँ तक आपकी लेट फी जाएगी। मतलब क्या, इन शॉर्ट आपका अगर रिटर्न नील है तो मैक्सिमम लेट फी 500, अगर आपका कुछ टैक्स पेबल है 1.5 करोड़ के नीचे आपका टर्नओवर होगा तो मैक्सिमम 2000, यहाँ 1.5 से 5 करोड़ के बीच में होगा तो मैक्सिमम 5000, और अगर 5 करोड़ के ऊपर होगा तो वो केस में 200 रुपीज़ पर डे बट मैक्सिमम 10000, इस तरह से आपकी लेट फी रहेगी। तो ये लेट फी जो हमने देखा यहाँ पे, आपने अगर नॉर्मल रिटर्न नहीं दिए, GSTR 4 कंपोजिशन डीलर होगा और टैक्स पेबल नील होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम लेट फी यहाँ पे लिख दो, मैक्सिमम लेट फी 500, मतलब 100 रुपीज़ पर डे एंड 100 प्लस 100, 200 रुपीज़ पर डे बट मैक्सिमम 500, ठीक है। और अगर आपका कंपोजिशन स्कीम में कुछ टैक्स पेबल होगा तो मैक्सिमम 2000, 1000 प्लस 1000, यानी 200 रुपीज़ पर डे बट मैक्सिमम इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर GSTR 7 होगा तो आपका 25 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेल्यूर कंटिन्यू और 100 विच एवर इज लोअर, ये आपकी लेट फी होगी। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया भी था और अभी भी सेम यहाँ पे नोटिफिकेशन उन्होंने कंटिन्यू किया है, ठीक है। ये चार्ट मैंने स्टैचुटरी अपडेट्स का ही लिया है, उसमें पर डे नहीं दिया उन्होंने, मैक्स दे दिए डायरेक्ट, मैंने इसमें यहाँ पे आपको पर डे बट मैक्स इतना रहेगा। तो ये लेट फी एक बार रीड करके जाना, हो सकता है कि इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सके। चलिए बेटा, जॉब वर्क पे एक अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अमेंडमेंट May 22 एग्जाम को अप्लीकेबल थी और वापस इस बार के स्टेचुटरी अपडेट्स में उन्होंने कवर किया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग GST ITC 04 रिवाइज फ्रॉम क्वार्टरली टू एनुअल, हाफ ईयरली एक्सेट्रा। अब आपको अगर पता होगा तो हम जॉब वर्कर को भेज सकते हैं गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेक्शन 19 याद होगा, साथ साथ में सेक्शन 143 याद होगा, तो दोनों सेक्शन में रीड विथ रूल 45, तो दोनों सेक्शन में ये क्लियर कहा है कि आपका गुड्स जॉब वर्कर के प्रीमाइस से 1 साल अगर इनपुट होगा तो, और कैपिटल गुड्स होगा तो 3 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए, और जिसके लिए आपको
ओके, पूरे यहाँ ITC 04 में, आई रिपीट, ITC 04 में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या थी और अमेंडमेंट क्या हुई, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। अर्लियर एज पर रूल 45(3) ITC 04 वॉज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश ऑन क्वार्टरली बेसिस। सेड फॉर्म वॉज टू बी फर्निश फॉर सेड पीरियड ऑन और बिफोर 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेड क्वार्टर विद इन सच फर्दर पीरियड एज मे बी एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर। मतलब आपका क्वार्टर एंड होने के बाद 25 तारीख तक आपको सारी डिटेल्स, जो भी आपने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा, ITC 04 में आपको देना जरूरी था। लेकिन ये अमेंडमेंट हुई 1/10/2021 से, और अक्टूबर 2021 से इन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। और फ्रीक्वेंसी क्या चेंज की, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, थोड़ा इसमें आपको एक करेक्शन करना है, अगर आपका यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर लिख लो वहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका जस्ट मिनट बेटा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको अब ये ITC 04 जो है क्वार्टरली नहीं, हाफ ईयरली बेसिस देना है, और ड्यू डेट होगी 25th ऑफ अक्टूबर आफ्टर द हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर, एंड 25th ऑफ अप्रैल आफ्टर द सेकेंड हाफ ईयर। और अगर आपका टर्नओवर यहाँ पे, आई रिपीट, आपका टर्नओवर यहाँ पे इक्वल्स टू 5 करोड़ होगा या 5 करोड़ से एक्सीड होगा, तो आपको ITC 04 एनुअल बेसिस पे देना है, जिसकी ड्यू डेट 25th ऑफ अप्रैल होगी, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनुअल ईयर। तो इसको थोड़ा अलग ढंग से पढ़े, तो यहाँ आपको करेक्शन करनी है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, यहाँ आपको ये साइन यूज नहीं करना है, आपको ये अप टू एंड ग्रेटर देन, अप टू 5 करोड़ और 5 करोड़ और मोर, सॉरी, फाइव करोड़ और मोर, एक मिनट, अप टू 5 करोड़ होगा तो आपका एनुअल बेसिस पे रहेगा, और 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो आपका हाफ ईयरली बेसिस पे रहेगा, 5 करोड़ और मोर तो हाफ ईयरली बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट हुई, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, अप टू 5 करोड़ और सेकेंड 5 करोड़ और मोर, तो वो हाफ ईयरली बेसिस पे रहेगा। ड्यू डेट यहाँ दिया है 25th अप्रैल, और अगर आप हाफ ईयरली हो तो 25th अक्टूबर और 25th अप्रैल, ये दो ड्यू डेट्स यहाँ पे लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स, एक छोटी सी इन्होंने ITC 04 कौन से फ्रिक्वेंसी में देना चाहिए वो अमेंडमेंट्स इन्होंने यहाँ कवर किया है। डन, ओके। चलिए, ईवे बिल में जो अमेंडमेंट हुई है वो अगेन आपके मई 22 एग्जामिनेशन को भी अप्लीकेबल थी, और इस बार के भी स्टेचुटरी अपडेट्स में कवर्ड है, और मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक रूल है, और रूल है रूल 138E। अब रूल 138E में उन्होंने कुछ सिचुएशंस दिए जहां ईवे बिल फ्रीज हो जाते हैं। मैं ये सिचुएशन रीड करूंगा। चार ऐसी केसेस है, फोर केसेस है, जहां आपके जो ईवे बिल जो है फ्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब आपके GST पे ईवे बिल नहीं बन सकता, चार केसेस के डिफॉल्ट आप अगर करते हो तो। अब देखो क्या था कि कोई सप्लायर है, कोई सप्लायर है, और ये सप्लायर अगर आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, कोई भी उसका जो भी आउटवर्ड सप्लाई होगा, और वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है,
लेकिन इसने रूल 138 में दिए गए चार ऑफेंसेस कर लिए या चार में से कोई भी ऑफेंस कर लिया, तो गवर्नमेंट इस बंदे का ईवे बिल फ्रीज कर देती है। मतलब इस ये जीएसटीन पे ईवे बिल जनरेट करना अलाउ ही नहीं करती है। अब गवर्नमेंट को इसको पनिश करना है, इसके आउटवर्ड सप्लाई को पनिश करना है। अब समझ लो कोई सप्लायर है जो इसको सप्लाई कर रहा है और ये रिसिपियंट है। अब ये जब रिसीव इसको सप्लाई कर रहा है और ये इसके नाम का जब ईवे बिल बना रहा है, तो उसका जीएसटीएन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये अब रिसिपियंट बन गया। अब ये रिसिपियंट बन गया और इसका जीएसटीएन उसको यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा? सप्लायर को। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसका जीएसटीएन ब्लॉक ही कर दिया फॉर ईवे बिल। अब ब्लॉक का क्या इंटेंशन था कि ये बंदा ईवे बिल ना बना सके, ये जो सप्लायर है, और ये सप्लायर आगे ईवे बिल ना बना सके। पर इसका इंपैक्ट क्या हो गया? इसका इंपैक्ट ये हो गया कि कोई सप्लायर को इसके नाम का ईवे बिल बनाना है, जो वो सप्लायर है उसको ईवे बिल बनाना है, और ये रिसिपियंट है तो वो भी नहीं बना सकता क्योंकि ब्लॉक हो गया। तो ऐसे केस में जो अमेंडमेंट हुई, वो अमेंडमेंट में क्लियरली ये वर्ड डाला गया कि जो ईवे बिल ब्लॉक किया जाएगा चार केसेस में, वो उसके आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स का किया जाएगा, इनवर्ड का नहीं। मतलब ये हुआ कि जिसने ये ऑफेंसेस किए चार ऑफेंस, वो अपने आउटवर्ड मूवमेंट जब भी करेगा उसका ईवे बिल वो नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन अगर उसका कोई इनवर्ड मूवमेंट होगा तो उसका ईवे बिल बन सकता है। ये लास्ट टाइम ये मैंने पढ़ाया था और अभी मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूं। तो कौन कौन सी चार केसेस? कि भाई उसने यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के रिटर्न फर्निश नहीं किए, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में होगा तो। अदर देन कंपोजिशन स्कीम में होगा तो अगेन टू टैक्स पीरियड के उसने रिटर्न सबमिट नहीं किए। GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट नहीं दिया, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया। तो ये चार केसेस में जहां तक है ईवे बिल फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन ओनली आउटवर्ड मूवमेंट के, इनवर्ड मूवमेंट के फ्रीज नहीं हो गए। एक नीचे एग्जाम्पल दिया है, जो एग्जाम्पल मैं रीड करता हूँ। मिस्टर ए अ रजिस्टर्ड पर्सन पे इन टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली हैज नॉट फाइल GSTR1 फॉर लास्ट 2 मंथ्स। मिस्टर बी हरियाणा अ रेगुलर रिटर्न फाइलर वॉन्ट टू जनरेट ईवे बिल ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए। भाई ऑफेंस किसने किया? ए। और मिस्टर बी ए को गुड सप्लाई करना चाहता है। एज पर अर्लियर पोजिशन ऑफ लॉ, मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ईवे बिल विथ मिस्टर ए GST। क्योंकि अगर मैं पुरानी पोजिशन देखूँ तो मिस्टर ए का GST नहीं ब्लॉक कर दिया फॉर ईवे बिल, तो वो मिस्टर बी जिसको सप्लाई करना है ए को, और ए का इनवर्ड सप्लाई है उसके लिए वो जनरेट नहीं कर पाता था। इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट इन पोजिशन ऑफ लॉ देर इज नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेट ईवे बिल एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स इन रेगुलर रिटर्न फाइल। अब अमेंडमेंट के बाद मिस्टर बी ए के नाम का ईवे बिल जनरेट कर सकता है। अभी रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन बस ये है कि अगर ए को आगे जनरेट करना है तो वो जनरेट नहीं कर सकता। जैसे इफ ए वॉन्ट टू जनरेट ईवे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर एच, तो वो ये ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकता। तो ये ईवे बिल से रिलेटेड अमेंडमेंट जो पहले हो चुकी थी आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में फिर से रिपीट की गई है। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। चलो डिमांड एंड रिकवरी, इससे रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स हुई है, चलिए हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सेक्शन 73 और 74, इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, यानी हम पहली जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, 73 था अदर देन फ्रॉड, और 74 था विथ इंटेंशन टू वेट द पेमेंट ऑफ टैक्स या फ्रॉड। उसमें सबसे लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन था, मैंने मेरे नोट्स में ऐसे बॉक्स में दिया है, सबसे लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन था। और ये एक्सप्लेनेशन
बड़ा रिलीफ देता था। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है देखो, वेयर नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग इज इश्यूड द मेन पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड सम अदर पर्सन द सच प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूड अंडर 7374 द प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल अदर पर्सन लायबल टू पेनॉल्टी अंडर सेक्शन 122, 125, 129, 130 डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। इसका मीनिंग क्या था और इसमें अमेंडमेंट क्या हुई, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ये अच्छे से पढ़ के जाना, छोटा सा केस स्टडी इसके ऊपर आ सकता है। अगर आपने 73 के तहत 30 दिन में पे कर दिया, प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी, कोई पेनल्टी नहीं लगी, या सेक्शन 74 में, आई रिपीट सेक्शन 74 में आपको टाइम दिया गया 30 दिन में पे कर दो, ऑर्डर के 30 दिन में पे कर दो, पेनल्टी इतना दे के ख़त्म कर दो, 15% 25% 50% दे के ख़त्म कर दो, आपने विद इन टाइम पे कर दिया और आपकी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, जो मेन टैक्स पेयर है उसकी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो मेन टैक्स पेयर है उसको तो छोड़ती नहीं, उसके साथ साथ जो अदर लोग इन्वॉल्व है, ओके, तो प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल द पर्सन लायबल टू पेनल्टी, अदर लोग कौन इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है, बायर इन्वॉल्व है, वेयरहाउस कीपर इन्वॉल्व है, तो उस पर भी सेक्शन 122, 125, 129 या 130 में पेनल्टीज लगाती है। आई रिपीट 122, 125, 129 और 130 में पेनल्टीज लगाती है, ओके, और वो पेनल्टीज कि भाई हमने मेन कल्प्रिट को तो पनिश किया ही है, साथ साथ में उसके साथ जो भी मिली भगत में इन्वॉल्व थे उनको भी हम परेशान करेंगे, हम उनको भी पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो था वो बहुत बड़ा रिलीफ देता था, और रिलीफ ये देता था, ध्यान सुनिएगा, रिलीफ ये देता था एक्सप्लेनेशन कि अगर मेन जो कल्प्रिट है उसकी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई 73-74 में, आई रिपीट उसकी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई सेक्शन 73-74 में, तो फिर अदर पर्सन के अगेंस्ट में जो 122, 125, 129 और 130 के तहत एक्शन ली गई, तो इन कानून के तहत उसकी इन दफाओं के तरफ, ओके, दफाओं के तहत उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया वो भी डीम टू बी कंक्लूड माना जाएगा, मतलब उनको भी छोड़ दिया जाएगा, ओके, उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ली जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात है, उनको भी छोड़ दिया जाएगा ना। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट ये हुई कि जो 129 और 130 का रिलीफ था अदर लोगों को वो निकाल दिया गया, मतलब ये हुआ कि अब मेन जो कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट का अगर प्रोसीडिंग कंक्लूड होगा तो अदर पर्सन में ली गई एक्शन 122 की कंक्लूड होगी, 125 की कंक्लूड होगी, लेकिन 129 और 130 के तहत जो भी पेनल्टी और फाइन लगाई जा रही है वो कंक्लूड नहीं होगी, वो लग के रहेगी। और आगे मैं सेक्शन 129 और 130, आई रिपीट 129 और 130 की उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, ये अमेंडमेंट में जो डिटेंशन सीजर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट अ सेपरेट प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, रिकवरी ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी इनिशिएट होगी, उससे कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, आई रिपीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ओके, मतलब पहले ये बहुत बड़ा रिलीफ था, ओके, ट्रांसपोर्टर के लिए, वेयरहाउस कीपर के लिए, क्योंकि अगर ट्रांजिट में माल रोका गया तो वो केस में 129 के तहत पेनल्टीज लगती है, 130 के तहत कॉन्फिस्केशन फाइन लगती है, तो वो भी रिलीफ मिलता था, लेकिन अब वो रिलीफ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये चैप्टर में हुई। नेक्स्ट एक अगेन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये चैप्टर में, डिमांड एंड रिकवरी में, वो क्या, सेल्फ असेस टैक्स, ठीक है, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73-74,
ये सेक्शन 7512 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 एंड 74 वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39 रिमेन्स अनपेड आइदर वोल्ली और पार्टली और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच टैक्स रिमेन्स अनपेड द सेम शैल बी रिकवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 सेम शैल बी रिकवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 ठीक है। अब ये क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने ये कहा है कि अगर 73-74 ध्यान से सुनिएगा 73-74 नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन्ड इन 73-74 मतलब 73-74 की कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगी, अगर लागू नहीं होगी। थोड़ा सिंपल वे में समझाऊंगा, पहले मैं इसके लीगल जॉर्गन्स की टेक्नोलॉजी समझा देता हूँ। पहला सवाल कि सर जैसे 73-74 में नोटिस के 30 दिन में दे दो, फिर डिमांड के 30 दिन में दे दो, तो 73 में तो पेनल्टी नहीं लगती है अगर आपने विद इन टाइम दे दिया, मतलब 30 डेज के अंदर दे दिया या वॉलेंट्री खुद होके दे दिया तो आपको पेनल्टी नहीं लगती है, पेनल्टी नहीं लगती है। और 74 में अगर आपने विद इन टाइम दे दिया तो पेनल्टी में डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आपको पेनल्टी 15% 25% या 50% ऐसी पेनल्टी लगती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का एक मैसेज जो सेक्शन 7512 में बहुत क्लियर है और वो क्या है, गवर्नमेंट ने टैक्स को दो चीजों में बांटा है, एक ऐसा टैक्स जो आपने नहीं दिया और असेस भी नहीं किया, हो सकता है फ्रॉड हो सकता है अदर देन फ्रॉड, लेकिन दिया भी नहीं और असेस भी नहीं किया, तो वो केस में हम आपको सारी रियायतें देने के लिए रेडी है। 73 में हमारी नोटिस आएगी, अगर अदर देन फ्रॉड होगा तो वॉलंट्री दे दो, कोई पेनल्टी नहीं, 30 दिन के अंदर दे दो, कोई पेनल्टी नहीं, आपने नहीं दिया तो फिर वो भी मैक्सिमम पेनल्टी उन्होंने के यहाँ पे 10% ऑफ टैक्स वगैरह फिक्स किया है, ठीक है, और 10,000 विच इज हायर। और फ्रॉड होगा तो वॉलंट्री दे दो तो पेनल्टी 15%, 30 दिन में दे दो तो 25%, ऑर्डर की 30 दिन में दे दो तो 50% ऐसी पेनल्टी। ये कब, जब आपने खुद असेस नहीं किया, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटिनी में पता चला तो गवर्नमेंट उस पर रियायत देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है, उस पर गवर्नमेंट आपको थोड़ा ढीला छोड़ने के लिए रेडी है। लेकिन गवर्नमेंट कहां स्ट्रिक्ट हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने सेल्फ असेस किया और सेल्फ असेस करके नहीं दिया, मतलब छुपाओ तो पूरा छुपाओ तो हम रियायत देंगे, लेकिन बता के छुपा नहीं रहे हो, बता के नहीं पे कर रहे हो तो यार तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ रही है, यानी बता भी रहे हो, डेरिंग देखो तुम्हारा, बता भी रहे हो कि असेस हो गया टैक्स, हम असेस कर रहे हैं और उसके बाद आप पे नहीं कर रहे हो, तो यहां गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है। और यहां गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर वो सेल्फ असेस टैक्स होगा तो नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन्ड इन 73-74 मतलब 73-74 की कोई भी रियायत आपको नहीं मिलेगी अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स होगा और आपने नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट रिकवरी हम 79 की चालू करेंगे। थोड़ा उसको इस चार्ट में समझ लेते हैं, मैंने ये चार्ट दिया था आपको नोट्स में कि नॉर्मली जो 73-11 की पेनल्टी है अगर आप बुक में पढ़ोगे तो वो ये है कि केस अदर देन फ्रॉड का है, आई रिपीट, केस अदर देन फ्रॉड का है और आपने विद इन 30 डेज फ्रॉम विद इन 30 डेज टैक्स नहीं दिया फ्रॉम ड्यू डेट और एक्सेट्रा तो आपको 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच इज आया ये पेनल्टी लग जाती है अगर आपने नहीं दिया सेल्फ असेस टैक्स, ठीक है, ये सेक्शन 73-11 कहता है। आई होप यू अंडरस्टूड, 73-11 कहता है। इसमें
हमने एक क्लैरिफिकेशन भी देखा था, क्योंकि सेल्फ असेस टैक्स के बारे में गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, इसमें एक हमने क्लैरिफिकेशन भी देखा था। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपने सेल्फ असेस किया ही नहीं, नॉट सेल्फ असेस ऑल्सो नॉट पेड विद इन 30 डेज, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको रियायतें मिल जाएगी 73(6) की। अगर आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं। ओके, क्योंकि देखो ये फ्रॉड का केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मतलब 73 में अगर आप दे रहे हो, क्योंकि सेक्शन 73 का केस है, अदर देन फ्रॉड का केस है, अदर देन फ्रॉड के केस में आप पेनल्टी से बच सकते हो। अगर आपने सेल्फ असेस नहीं किया और 30 दिन में नहीं दिया तो नोटिस आ जाएगी, और नोटिस में आपने बाद में वॉलेंट्री पे किया, आपने बाद में वॉलेंट्री पे किया तो वो सिचुएशन में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करूँगा, लेकिन अगर आपने सेल्फ असेस कर लिया और आपने ड्यू डेट के 30 दिन में नहीं दिया, ड्यू डेट के 30 दिन में नहीं दिया, तो इसको ऐसा समझो, यहाँ पे दो सिचुएशन, सिचुएशन वन, और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आप मंथली स्कीम में हो, और फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपकी ड्यू डेट जो आ रही है ये 20th में आ रही है, 20th में आ रही है पेमेंट की, ये ड्यू डेट आपकी आई, ठीक है। अब 73(11) ये कहता है कि ड्यू डेट से आपको 30 डेज में पे कर देना है, ड्यू डेट से 30 डेज में पे कर देना है, ठीक है। अब यहां पे आपने टैक्स सेल्फ असेस तो कर लिया था, सेल्फ असेस तो कर लिया था, समझ लो आपका टैक्स था 10,000 और आपने सेल्फ असेस कर लिया, ठीक है 10,000, लेकिन नॉट पेड विद इन ड्यू डेट, नॉट पेड विद इन ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट को नहीं दिया। ओके वेट, कोई सवाल मत पूछना। ओके, आपने ड्यू डेट को नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में 30 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर 30 दिन में भी नहीं दिया तो फिर 73(11) कहता है आपको पेनल्टी जो लगेगी, जो मैंडेटरी पेनल्टी लग जाएगी, और वो है 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी लग जाएगी। पर इसमें क्लैरिफिकेशन आया हमारे सीबीआईसी का, और क्लैरिफिकेशन ने क्या कहा, क्लैरिफिकेशन ने ये कहा कि नहीं, जब अगर ये 30 डेज तो ठीक है, पर अगर नोटिस के पहले, यानी अगर बाद में शो कॉज नोटिस आई और शो कॉज नोटिस 30 डेज के बाद आई, और नोटिस के पहले भी अगर पे हो जाता है, नोटिस के पहले भी पे हो जाता है तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ, नोटिस इनिशिएट हो गई तो ही पेनल्टी लगेगी, क्यों ना 30 डेज क्रॉस हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ दो पार्ट किए, दो पार्ट ऐसे किए कि GSTR 3B इज फाइल विथ पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट आफ्टर 30 डेज बट बिफोर शो कॉज नोटिस, मतलब क्लैरिफिकेशन ने यह कहा कि स्ट्रिक्टली 30 दिन मत लो, ठीक है 30 दिन से ज्यादा भी हुए तो चलेगा, पर अगर नोटिस के पहले 3B फाइल कर दिया और पेमेंट भी कर दिया तो वो केस में यहां पे आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी 73(11) की। लेकिन अगर प्रोसीडिंग सेक्शन 73 की इनिशिएट हो गई, इनिशिएट हो गई मतलब नोटिस आ गई, अगर नोटिस आ गई और तब तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब सिंपल वर्ड में वो अब 30 दिन का रिलेवेंस नहीं बचा। अब ड्यू डेट के बाद आपने जो टैक्स खुद ही असेस किया है, मतलब वो नोटिस वगैरह से नहीं पता चला, आपका खुद का ही सेल्फ असेस टैक्स है, और वो सेल्फ असेस टैक्स नोटिस आने के पहले अगर आप देते हो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, क्यों ना 30 दिन क्रॉस हो जाए, लेकिन नोटिस इन्वोक हो गई 73 की और उसके बाद आप दे रहे हो 3B फाइल कर रहे हो तो फिर पेनल्टी लगाई जाएगी। नाउ अब इसमें सवाल क्या खड़ा हो गया भाई, सवाल ये हो गया कि वर्ड है सेल्फ असेस टैक्स
इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न रिटर्न। तो अब ये बहुत सारे लोग यहाँ पूछने लगे और बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझे पूछते थे कि सर सेल्फ असेस टैक्स इन रिटर्न ये जो है ये ड्यू रहेगा ही कैसे, क्योंकि हमारा रिटर्न जो है सबमिट ही नहीं हो सकता जब तक हम पे नहीं करते हैं। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं जो रिटर्न में रिटर्न दे रहा हूँ उसमें पेंडिंग रह गया, मतलब सेल्फ असेस किया है, मैंने रिटर्न भी बताया है, रिटर्न फर्निश भी कर रहा हूँ और पेमेंट रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिना पेमेंट का रिटर्न ही सबमिट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर लॉ ये कहता है कि सेल्फ असेस टैक्स, ध्यान सुनो, सेल्फ असेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विथ रिटर्न फर्निश, एक वर्ड पे ध्यान लगा, रिटर्न फर्निश, तो सर ये रिटर्न फर्निश कैसे हो गया बिना बिना टैक्स पे किए? आउटस्टैंडिंग तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न फर्निश हो रहा है मतलब ही आपका टैक्स ऑलरेडी पे हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी ये मिस्टेक समझ में आई और गवर्नमेंट ने इसके लिए अब ये अमेंडमेंट है, ओके, ये अमेंडमेंट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन डाला और गवर्नमेंट ने कहा सेल्फ असेस टैक्स शैल इंक्लूड टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश इन 37, दैट इज GSTR 1, लिख दो वहां पे GSTR 1 एंड नॉट इन सेक्शन 39 यानी GSTR 3B। इन शॉर्ट गवर्नमेंट जो यहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स कह रही है वो सेल्फ असेस टैक्स का मतलब जो आपने GSTR 1 में बताया, इसलिए मैंने मेरे चार्ट में पहले से GSTR 1 वर्ड यूज कर लिया, ओके, कि जो देखो मैंने पहले से GSTR 1 वर्ड यूज कर लिया, मतलब क्या? उन्होंने जस्ट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन डाल के क्लैरिफिकेशन दिया कि जो आपने, आई रिपीट, जो आपने GSTR 1 में टैक्स असेस करके बताया है और वो 3B में नहीं पे किया, क्योंकि आपने 3B सबमिट ही नहीं किया, तो फिर ये पेनल्टीज और वगैरह लग सकती है अगर नोटिस आ गई तो, अगर नोटिस आ गई तो। इन शॉर्ट पूरे डिस्कशन में, ये सारे पूरे डिस्कशन में बात 73(11) की हो या बात यहाँ पे सेक्शन 75(12) की हो, जहाँ सेल्फ असेस टैक्स का है मतलब जो आपने GSTR 1 में यहाँ पे असेस किया है उसकी बात कर रहे हैं और वो आउटस्टैंडिंग रह गया। बेटा ये समझा कि नहीं समझा? जो भी मेरे से कनेक्टेड है प्लीज बताओ, ये समझा है नहीं समझा? और उन्होंने नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आप पढ़ लेना, जो डिस्कशन मैंने दिया है ये आप पढ़ लेना, ओके। सेल्फ असेस टैक्स मतलब जो वो GSTR 1 की बात कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन है और उसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री मैंने यहाँ दिया है, ओके। तो ये आपने पढ़ा, प्लीज बताओ बेटा समझाया नहीं समझा? यहाँ पे नेक्स्ट अगेन एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है और ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 83(1) में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या अमेंडमेंट हुई है बताता हूं। पुरानी प्रोविजन ये कहती है वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर बेस जजमेंट, 62 का बेस जजमेंट चल रहा है और प्रोसीडिंग चालू है, 63 का बेस जजमेंट चल रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, समरी असेसमेंट 64, 67 या 73, 74 की केस होगी और ये प्रोसीडिंग में, ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू उस बंदे की प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच होनी चाहिए, तो ऐसे केस में यहाँ पे वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये सबसेक्शन 1 पूरा अमेंड कर दिया है और उन्होंने क्या कर दिया देखो, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, आई रिपीट, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 12 दैट इज असेसमेंट। अब असेसमेंट में सारे सेक्शन आ गए, 62, 63, 64,
65 जो भी एनएच चैप्टर स्कोप बहुत बढ़ा दिया उन्होंने, असेसमेंट ये चैप्टर का कोई भी फिर सेक्शन 62 63 64 कोई भी प्रोसीडिंग चालू हो, और प्रोसीडिंग चालू है डिमांड और रिकवरी, डिमांड और रिकवरी मतलब 73 74 वो तो कवर किया है, उसकी भी यानी डिमांड और रिकवरी के चैप्टर में जो भी सेक्शंस हो गए किसी की भी प्रोसीडिंग चालू हो, या अब उन्होंने ऐड कर दिया इंस्पेक्शन सर्च और सीजर, आई रिपीट इंस्पेक्शन सर्च और सीजर वो भी ऐड कर दिया है, ये अमेंडमेंट है, उस चैप्टर के तहत कोई भी प्रोसीडिंग चालू होगी, ठीक है, फिर वो यहां पे इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शंस वगैरह की प्रोसीडिंग चालू होगी, और ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग अगर ऑफिसर को डाउट है कि भाई गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी नहीं है तो बंदा भाग जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। तो देखो यहां पे अब उन्होंने डायरेक्ट चैप्टर के नाम दे दिया, अब सेक्शन में नहीं, डायरेक्ट चैप्टर के नाम, यानी स्कोप बहुत बढ़ा दिया है। द कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इट इज नेसेसरी सो टू डू इट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट्स को बढ़ा दिया, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू टैक्सेबल पर्सन और एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 122(1)(a) इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ओके सेक्शन 122(1)(a) ओके वो अगर आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस में, तो जिन्होंने यहाँ हेल्प किया या हमारे जैसे प्रोफेशनल्स ये टैक्स छुपाने के लिए, हमारे जैसे प्रोफेशनल टैक्स छुपाने के लिए भी अगर हेल्प करते हैं तो उनके अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकती है, ये 122(1)(a) था। तो यहाँ अब 122(1)(a) के पर्सन हो या कोई भी पर्सन हो, अगर उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, फिर इंस्पेक्शन की हो, सर्च की हो, सीजर की हो, अरेस्ट की हो, जो मेन अमेंडमेंट है इस बार की, असेसमेंट की हो, डिमांड और रिकवरी की कोई भी प्रोसीडिंग हो, और उनकी प्रोविजनली कोई प्रॉपर्टी अटैच करना हो, तो हम प्रोविजनली प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। तो ये चेंज आपको करना है सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 में, ठीक है, चलो। और साथ साथ में रूल में मतलब उसकी जो अटैचमेंट की जो यहाँ पे प्रोविजंस दी है, ओके, तो वो ये तो प्रोविजंस आपको पढ़ना है, सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है, वो 7 दिन का नोटिस का टाइम उन्होंने एनी टाइम कर दिया है। ओके प्रोविजनल अटैचमेंट में जो प्रोसीजर है, तो पहले 7 दिन का टाइम था, अब उन्होंने एनी टाइम ये वर्ड डाल दिया है, ठीक है। देखो एनी पर्सन और प्रॉपर्टीज अटैच, जिसकी भी प्रॉपर्टी अटैच होगी, ओके एनी टाइम ऑफ द अटैचमेंट फाइल एन ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट प्रॉपर्टी अटैच वॉज और इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड कमिश्नर में आफ्टर अफोर्ड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड रिलीज द प्रॉपर्टी। हाँ तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्शन का जो टाइम है पहले 7 डेज था, अब उन्होंने एनी टाइम कर दिया है, जिसकी भी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन लेना हो तो, ठीक है, डन। तो ये एक रूल में 159 इस रूल में अमेंडमेंट हुई है। चलिए यस बेटा समझ में आ रहा है, यस और नो, अभी तक जो भी डिस्कशन किया क्लियरली समझ में आया बताइए। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं रिफंड, ठीक है।
रिफंड ये चैप्टर्स की अमेंडमेंट यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्लैरिफिकेशंस या नोटिफिकेशंस वो भी आपको यहाँ मैं बता दूंगा कि कौन से अमेंडमेंट में कौन से नोटिफिकेशन ऐसे हैं कि जो आप अच्छे से करके जाओ। देखो सेल्फ असिस्ट एक्ट टू इंक्लूड टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाइज फर्निश इंजन, एक मिनट, ये टाइटल करेक्ट कर लेना, अगर आपका करेक्टेड नहीं होगा तो मैं करेक्ट कर लूंगा। यहाँ सिर्फ लिख दो रूल 95, रूल 95, ठीक है, ये टाइटल गलत आया बेटा वहाँ पे, रूल 95। देखो अगर करेक्टेड होगा आपके इसमें तो ओके, रूल 95 से रिलेटेड। देखो रूल 95 कंटेंट द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई टू स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएनओ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस और कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन क्लास ऑफ पर्सन, वन ऑफ द कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर सैंक्शन ऑफ रिफंड इज दैट कि UIN ऑफ द अप्लीकेंट इज मेंशन इन टैक्स इनवॉइस। बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन या फिर फॉरेन एम्बेसी या फिर कोई नोटिफाइड पर्सन जिसको UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है और वो इंडिया के कोई भी सप्लायर से अगर परचेस करते हैं तो उनको यहाँ परचेस करते वक्त टैक्स इनवॉइस में परचेस करना पड़ता है और टैक्स इनवॉइस में परचेस करने के बाद लेट्स टेक एग्जांपल वैल्यू जो है वैल्यू यहाँ पे 1 लाख रुपये है और GST जो है वैल्यू 1 लाख रुपए है और GST बिल आया 12,000 रुपये और उन्होंने कोई गुड्स और सर्विस परचेस की तो प्रोविजन ऐसी है कि GST लग के आएगा, ये पे भी करेंगे एंड देन दे विल क्लेम द रिफंड। यहाँ पे गवर्नमेंट को वो रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे और रिफंड जो इनको आएगा वो 12,000 रुपीज़ का यहाँ पे रिफंड दिया जाएगा, ठीक है, इनको रिफंड दिया जाएगा, रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे जो भी वो परचेस करेंगे। लेकिन रिफंड लेने की कंडीशन ये है कि ये टैक्स इनवॉइस इसके साथ अटैच होना चाहिए, यानी परचेस इनवॉइस उनको उसकी कॉपी अटैच करनी पड़ेगी और ये टैक्स इनवॉइस में इनका UIN या GST होना जरूरी है, यानी वही टैक्स इनवॉइस के रिफंड इनको मिलेंगे परचेसेस के जिसके ऊपर UIN है, आई रिपीट, जिसके ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। पर कभी कभी क्या होता था, सप्लायर UIN देना भूल जाता था या GSTN देना भूल जाता था। अब सप्लायर ने अगर इनवॉइस में UIN नहीं दिए है, सप्लायर ने इनवॉइस में UIN नहीं दिए तो इनके रिफंड नहीं मिलते थे, तो गवर्नमेंट ने जस्ट उसमें एक रिलैक्सेशन दिया और वो रिलैक्सेशन ये है, यहाँ पे देखो द प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 टू द सेड सब रूल टू प्रोवाइड दैट वेयर UIN ऑफ द अप्लीकेंट इज नॉट मेंशन इन अ टैक्स इनवॉइस। मतलब अगर UIN टैक्स इनवॉइस में मेंशन नहीं होगा, द रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय अप्लीकेंट ऑन सच इनवॉइस शैल बी अप्लीकेबल ओनली कॉपी ऑफ इनवॉइस duly attested by authorized representative of applicant is submitted along with the refund application in prescribed form। मतलब क्या, मतलब अब अगर ऐसे कोई सप्लायर से इन्होंने परचेस किया है जिसमें इनका UIN नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, उसकी अटेस्टेड कॉपी जो है, मतलब कोई जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
या फॉरेन एम्बेसीज, इनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या ऑथेंटिकेट करके कॉपी देंगे तो भी उनको रिफंड दे दिया जाएगा। तो एक तरह का ये रिलैक्सेशन है कि अब यूएन होना जरूरी नहीं है, अगर वो अटेस्टेड कॉपी भी दी गई तो भी चलेगा। तो नाउ यूएन इज नॉट, इफ़ यूएन इज नॉट मेंशन इन टैक्स इनवॉइस तो अटेस्टेड कॉपी दिया तो भी चलेगा। तो ये था एक छोटा सा अमेंडमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये स्टार करना, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टन रिफंड रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली कैश लेजर, स्पेशली बेटा कैश लेजर से रिलेटेड, ठीक है। नो टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग द रिफंड क्लेम। अब देखो क्या है, जनरली आपने रिफंड क्लेम फाइल कर देना चाहिए 2 साल के अंदर, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अगर 2 साल के अंदर आपने रिफंड क्लेम फाइल नहीं किए तो फिर बाद में नहीं मिलते हैं। लेकिन CBIC ने इस सर्कुलर के तहत ये बहुत क्लियरली बता दिया कि कैश लेजर, ई कैश लेजर में अगर आपका पैसा एक्सेस है, ज़्यादा है, तो वो आपका ही पैसा है। आई रिपीट, वो आपका ही पैसा है, उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी। आप अपने ई कैश लेजर का पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो वो क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54(1) रिगार्डिंग टू टाइम पीरियड विद इन विच अप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी फाइल्ड वुड नॉट बी अप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी आप रिफंड कभी भी, तुम 1 महीने में फाइल कर दो, तुम 6 महीने में फाइल करो, तुम 10 साल में फाइल करो, पैसा आपका है, ठीक है। नो सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दैट देर इज ए नो अनजस्ट एंडिशमेंट। अब देखो क्या होता है, जब भी आपका रिफंड प्रोसेस होता है और आपकी केसेस ऐसी है कि जहां डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंडिशमेंट, यानी प्रूव करना पड़ता है कि आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया है, और अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है, तो आपको CA का सर्टिफिकेट या CMA का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर वो ई कैश लेजर का रिफंड होगा, आई रिपीट, ई कैश लेजर का रिफंड होगा, तो वहां कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका ही पैसा है, उसका किस बात का सर्टिफिकेट, मैं क्या प्रूव करूं, मुझे डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं है। अरे भाई, मेरा ही एक्सेस पैसा है, अगर मेरा ही एक्सेस पैसा है तो मुझे वहां प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मुझे डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी या नहीं होगी। उसके बाद में ये बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन, तीसरा वाला सी, TDS TCS। जैसे अगर आपका कोई TDS काट रहा है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, या TCS काट रहा है, ECO होगा, तो वो TDS और TCS जो कट हुआ है वो आपके ई कैश लेजर में जमा होता है। आई रिपीट, आपके ई कैश लेजर में जमा होता है। अब मेरा एक क्लाइंट था, ध्यान सुनिएगा, क्लाइंट था और उसका कैश लेजर में बैलेंस 50,000 रुपये था, और TDS TCS का, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था तो TDS उसका जो कटा था वो TDS कुछ 25 लाख कटा था, और 25 लाख जो है उसके कैश लेजर में आ गया। तो ऑलरेडी 50,000 और ये 25 लाख, मतलब 25 लाख 50,000, आई रिपीट, 25 लाख 50,000 उसका कैश लेजर का बैलेंस था। उसने कैश लेजर का रिफंड मांगा क्योंकि उसका आउटपुट टैक्स पेबल इतना नहीं था, तो जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट था उसके कैश लेजर का, तो उसने रिफंड मांगा, तो उसने 20 लाख का रिफंड क्लेम किया कैश लेजर का। ऑफिसर ने डिनाई कर दिया, ऑफिसर ने कहा 20 लाख का हम क्यों दे भाई तेरे को। ऑफिसर ने कहा कि भाई जो TDS TCS का कैश लेजर में जमा हुआ है उसका रिफंड हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो यूज करो पर रिफंड नहीं देंगे। तो उसने कहा अरे वो मेरा कैश लेजर का बैलेंस है, और वो मेरा अगर कैश लेजर का बैलेंस है तो आपको मेरे को रिफंड देना पड़ेगा, डिनाई कर दिया। और बहुत सारे ऑफिसर्स ये डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब यहां पे ये क्लैरिफिकेशन ने बहुत लोगों को रियायत दे दी, और ये क्लैरिफिकेशन ने कहा कि TDS TCS का पैसा अगर आपके ई कैश लेजर में डाला जा रहा है तो वो आपके कैश लेजर का ही पार्ट माना जाएगा।
और उसमें भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हो या एक्सेस बैलेंस पड़ा हो तो आप उसका भी रिफंड एज अ कैश लेजर का कभी भी क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो मैं रीड करता हूँ, द अमाउंट डिडक्टेड और कलेक्टेड एज द टीडीएस और टीसीएस बाय टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5152 एंड क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज इक्वलेंट टू कैश डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन टू यूटिलाइज टीडीएस और टीसीएस अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग टैक्स लाइबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे कि ये कंपल्सरी कि नहीं, रिफंड नहीं मिलेगा आप टैक्स लाइबिलिटी में यूज करो, ऐसा नहीं है। द रजिस्टर्ड पर्सन इट एट फुल लिबर्टी टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज मेड बाई हिम ड्यूरिंग टैक्स पीरियड इधर थ्रू डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और थ्रू डेबिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज पर द चॉइस एंड अवेबिलिटी ऑफ बैलेंस इन द सेड लेजर। लास्ट पैराग्राफ, एनी अमाउंट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर डिस्चार्जिंग टैक्स ड्यूज और अदर ड्यूज पेबल अंडर CGST एक्ट एंड रूल्स मेड देर अंडर कैन बी रिफंडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एज एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54(1) रीड विद सेक्शन 49(6)। मतलब क्यों ना आपका TDS और TCS का बैलेंस होगा वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। आई रिपीट, वो भी रिफंड कर दिया जाएगा, फिर वो TDS TCS किसी का भी बैलेंस हो। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया रिगार्डिंग टू दिस क्लैरिफिकेशन। अच्छा था, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट देखिए, वेदर द रिलेवेंट डेट फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाईज रिगार्डेड एज डीम एक्सपोर्ट, अंडरलाइन डीम एक्सपोर्ट बाय रिसिपियंट इज टू बी डिटरमाइन एज पर क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54 एंड इफ सो वेदर द डेट ऑफ रिटर्न फाइल बाय सप्लायर और डेट ऑफ रिटर्न फाइल बाय रिसिपियंट विल बी रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइन टैक्स वैल्यू। पता नहीं आपको याद आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपके पास अगर मॉड्यूल है तो आप ओपन करो रिफंड चैप्टर और डीम एक्सपोर्ट में जाओ। डीम एक्सपोर्ट में जाना और थोड़ा मैं वहां आपको समझाना चाहूंगा। चलिए, अब आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में सेक्शन सॉरी रूल 89(4)A में यहां पे नोटिफिकेशन दिया है कि अगर इंडिया के डोमेस्टिक सप्लायर सप्लाई करते हैं गुड्स उन लोगों को जिनके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, जो EOU है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, या यहां पे EOU है, या उनके पास EPCG है, या जहां तक एडवांस ऑथराइजेशन बैंक के गोल्ड से रिलेटेड है, अगर ये यूनिट हो गए और इंडिया के कोई भी बंदे ने इनको अगर सप्लाई किया होगा तो ये डीम एक्सपोर्ट माने जाएंगे, ये डीम एक्सपोर्ट माने जाएंगे। और जो भी बिल रेज हो रहा है, समझ लो वैल्यू है 1 लाख रुपीस और उस पर GST है यहाँ पे 12,000, ये जो 12,000 का रिफंड क्लेम करने का राइट्स दोनों के पास है, सप्लायर के पास है या फिर जिसको डीम एक्सपोर्ट किया गया जो आगे एक्सपोर्ट करने वाला है उसके पास भी है। अब ऑप्शन 1 लेते हैं, अगर सप्लायर इसका रिफंड क्लेम करना चाहता है तो उसको रिसिपियंट से अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि वो उसका रिसिपियंट उसका रिफंड नहीं क्लेम करेगा, क्योंकि रिफंड सप्लायर क्लेम कर रहा है तो वो केस में रिसिपियंट 1 लाख रुपए देगा
और सप्लायर जीएसटी लगा के बाद में रिफंड क्लेम कर लेगा, या फिर अगर ये रिसिपियंट उसका रिफंड क्लेम कर रहा है तो इसको सप्लायर से अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि सप्लायर ने यहां पे उसका रिफंड नहीं क्लेम किया। तो ये 12,000 का दोनों में से कोई भी एक पार्टी को रिफंड क्लेम मिल जाता है, और रिफंड आपको क्लेम करना पड़ता है विद इन टू ईयर्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट। आई रिपीट, विद इन टू ईयर्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट। अब सवाल ये कि रिलेवेंट डेट यानी क्या? रिलेवेंट डेट यानी डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये रिलेवेंट डेट मतलब डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ सच डीम एक्सपोर्ट, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ सच डीम्ड एक्सपोर्ट, ऑफ सच डीम एक्सपोर्ट मतलब क्या कि जो डीम एक्सपोर्ट, जो ये इंफॉर्मेशन जो भी रिटर्न में दिया जा रहा है वहां से 2 साल के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और वो रिफंड दोनों में से कोई भी पार्टी क्लेम कर रहा है। फिर क्लैरिफिकेशन ये मांगा गया कि रिटर्न किसका। अब समझ लो सप्लायर अगर रिफंड क्लेम कर रहा है तो सप्लायर अगर रिफंड क्लेम करता है तो किस कौन से बंदे की रिटर्न की डेट लेना, सप्लायर या रिसिपियंट। तो क्लैरिफिकेशन दिया गया सप्लायर जिस दिन रिटर्न देगा ये इस डीम एक्सपोर्ट का, ओके, वहां से 2 ईयर लिया जाएगा, वहां रिटर्न देगा यहां से 2 ईयर लिया जाएगा। चलो ये तो क्लियर हो गया कि सप्लायर जिस दिन रिटर्न देगा वहां से 2 ईयर लिया जाएगा। अगर इसका रिफंड रिसिपियंट क्लेम कर रहा होगा तो, सप्लायर नहीं क्लेम कर रहा है, रिसिपियंट क्लेम कर रहा होगा तो इवन दो रिसिपियंट क्लेम कर रहा होगा तो भी वो जो 2 ईयर्स लिए जाएंगे वो सप्लायर ने जिस दिन रिटर्न दिया, मतलब आपको लेना रिटर्न सप्लायर का ही है, सप्लायर ने जिस दिन रिटर्न दिया वहां से 2 ईयर्स, फिर रिफंड सप्लायर क्लेम करे या रिफंड रिसिपियंट क्लेम करे, रिफंड कोई भी क्लेम करे, सुन रहे हो ना भाई आप, रिफंड कोई भी क्लेम करे यहां पे 2 ईयर्स लिए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय द सप्लायर। बस ये दिया है बेटा उन्होंने क्लॉज बी ऑफ द एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54। वो क्या कहते हैं, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम एक्सपोर्ट वेयर रिफंड ऑफ टैक्स पेड अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स द डेट ऑन विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम एक्सपोर्ट इज फर्निश। ओके, वो उसकी रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। ऑन पर्सल ऑफ अबो इट इज क्लियर दैट क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज अप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग रिलेवेंट डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स regarded as deem export irrespective of the fact that refund claim is filed by supplier or by recipient। Further, as a tax on supply of goods regarded as deemed export, it would be paid by supplier in his return. Therefore, relevant date underline for the purpose of filing refund claim for refund tax paid on such supplies would be the date of filing of return related to such supplies by the supplier. In short, last line important. Or last line ये कहती है. Last line important है. और ये कहती है यहाँ पे कि जो रिफंड की डेट, सॉरी, जो आपको रिटर्न की डेट लेना है वो सप्लायर के रिटर्न की डेट लेना है, जो सप्लायर हो, फिर रिफंड कोई भी क्लेम करे, मे बी सप्लायर क्लेम करे या रिसिपिएंट के करे, पर जिस दिन सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया वहां से आपको 2 साल लेना है। चलिए ये डिस्कशन हमने किया। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन रिफंड एप्लीकेशन लिमिटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फॉर मेकिंग रिफंड क्लेम to exclude the time period from the date of filing the refund claim till the date of communication of deficiency. अब देखो ये तो सिंपल है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, देखो अप्लीकेंट जो है, समझ लो ये अप्लीकेंट, और ये अप्लीकेंट ने कॉमन पोर्टल पे RFD 01 में
रिफंड एप्लीकेशन दे दिया, कॉमन पोर्टल ने ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया फॉर प्रोसेसिंग द रिफंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन दिया गया, रिफंड एप्लीकेशन दिया गया 10/1/2022 को, 10/1/2022 को। अब समझ लो जो भी आपका इवेंट हुआ होगा रिफंड का, इवेंट में भी एक्सपोर्ट हुआ होगा, इवेंट में भी सीटीपी का रिफंड होगा, कोई भी जो भी, तो यहाँ पे आपके इवेंट के 2 साल के अंदर आपने एप्लीकेशन देना चाहिए। तो चलो विद इन 2 ईयर्स आपने एप्लीकेशन दे दिया फॉर रिफंड, और ये 10 जनवरी 2022 को आपने एप्लीकेशन दे दिया फॉर रिफंड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम दैट इवेंट, जो भी रिलेवेंट डेट होगी, ओके, जो भी रिलेवेंट डेट होगी उस रिलेवेंट डेट के 2 साल के अंदर आपने रिफंड एप्लीकेशन दे दिया। अब ये जो रिफंड एप्लीकेशन दे दिया ऑफिसर के पास प्रोसेसिंग के लिए चल गया, ऑफिसर ने उसमें डेफिशिएंसी निकाली और डेफिशिएंसी निकाल के यहाँ पे वापस कर दिया कि भाई इसमें डेफिशिएंसी आ गई, वापस कर दिया। अब आपने फिर से, क्योंकि डेफिशिएंसी आने के बाद आपको फिर से RFD 01 देना पड़ेगा, तो आपने फिर से जो RFD 01 दिया वो 28/1/22 को दिया गया, 28/1/22 को दिया गया फिर से RFD 01। लेकिन जब आपने सेकंड वाला RFD 01 दिया, आई रिपीट, सेकंड वाला RFD 01 दिया, तब आपके 2 साल खत्म हो गए थे, यानी ये जो डेट है ये बियॉन्ड 2 ईयर्स जा रही थी, 10 तारीख विद इन 2 ईयर्स थी। लेकिन जब आपने रिवाइज करके एप्लीकेशन डाला क्योंकि डेफिशिएंसी आई, तो ये 2 साल के ऊपर जा रही थी, एक्सीड्स हो रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया, और वो क्या है, ये जो डेफिशिएंसी का टाइम पीरियड है ये आपके 2 साल के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं होगा, मतलब ये जो गैप आया है ये गैप नहीं गिना जाएगा, ओके, और वो विद इन टाइम ही माना जाएगा। अब देखो वो क्या कहते, देखो यहां पे अमेंडमेंट देखना, द प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड टू द सेड सब रूल टू प्रोवाइड दैट टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय प्रॉपर ऑफिसर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब क्या, कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा, तो आपने ओरिजिनल जो दिया था, ओरिजिनल कब दिया था आपने, 10 तारीख को, तो ओरिजिनल 10 तारीख को दिया था और आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट हुई 22 तारीख को, आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट हुई 22 तारीख को, तो ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड आपके 2 साल के कैलकुलेशन के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओरिजिनल एप्लीकेशन जिस दिन दिया टिल आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट हुई ये टाइम आपके 2 साल की कैलकुलेशन के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो जो लोग लास्ट लास्ट में एप्लीकेशन देते हैं उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, तो ये एक अमेंडमेंट हुई यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा, फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ओके, पहले क्या था कि आपने रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 में दे दिया, रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 में देने के बाद आपको लगा ऐसा कि भाई मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक हुई है तो आपको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने का ऑप्शंस आपके पास नहीं था, एक बार दे दिया जो दे दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने विड्रॉ करने का ऑप्शन लाया है। और देखो द एप्लीकेंट में एट एनी टाइम, टाइम पीरियड दिया है, इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर जो जीरो रेट सप्लाई के केस में मिलता है, 90% प्रोविजनल रिफंड आपको मिलते हैं, और फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर, रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर, शो कॉज नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल, जो आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया है, विड्रॉ द सेड एप्लीकेशन ऑफ रिफंड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ऑन सबमिशन ऑफ सच विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एनी अमाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेंट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाइल फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन शैल बी क्रेडिटेड बैक टू दैट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और
कैश लेजर। अब देखो, सबसे पहले तो सिंपल वर्ड में समझ लो, आपने जो दिया हुआ रिफंड एप्लीकेशन है वो रिफंड एप्लीकेशन आप अब विड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको आपकी मिस्टेक पता चल गई कि नहीं यार गलती से फाइल कर दिया, मैंने नहीं फाइल करना चाहिए था। लेकिन ऑर्डर के पहले फिर प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर हो, रिफंड सैंक्शन ऑर्डर हो, विथहोल्ड ऑर्डर हो, पेमेंट ऑर्डर हो या शो कॉज नोटिस आपको आई, उसके पहले आपने विड्रॉ कर लिया तो अच्छी बात है, तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और विड्रॉ कर सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उतना अमाउंट आपके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को डेबिट कर देते हैं जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। लेकिन अब आपने फाइल किया एप्लीकेशन आप वापस ले रहे हो, अगर फाइल किया एप्लीकेशन वापस ले रहे हो तो आपका जो डेबिट हुआ है वो वापस से रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, छोटी सी अमेंडमेंट थी पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। उसके बाद में ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड टू बी इश्यूड वेयर रिफंड नो लॉन्गर लायबल टू बी विथहेल्ड, ऑर्डर फॉर कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड फॉर रिफंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। देखो यहाँ पे अर्लियर पुरानी प्रोविजन ये थी, इन केस वेयर रिफंड इज कंप्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड द ऑर्डर ऑफ गिविंग डिटेल्स ऑफ सच एडजस्टमेंट वॉज इश्यूड। अब अमेंडमेंट क्या हुई, द सेड प्रोविजन हैज बीन ओमिटेड, रिजल्टेंटली नो सच ऑर्डर विल नॉट नाउ बी इश्यूड। देखो पहले क्या था कि अगर पुराने तुम्हारे कुछ यहाँ पेंडिंग डिमांड है और अभी आपका रिफंड निकल रहा है तो पुरानी डिमांड जो ड्यूज की आपके अगेंस्ट में वो रिफंड के अगेंस्ट में एडजस्ट होती थी और उसके बाद में आपको बाकी का पैसा मिलता था जिसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड होती थी। अब ऐसी कोई भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं होगी, ना कोई ऑर्डर आपको इश्यू होगी, गवर्नमेंट सीधा सीधा एक काम करेगी कि तुम्हारा रिफंड पुराना कोई ड्यूज डिडक्टेड एंड बाकी रिफंडेड, उसका स्पेशल कोई भी एडजस्टमेंट डिटेल्स ऑर्डर आपको नहीं दिया जाएगा। फर्दर प्रोविजो टू रूल 92(2) हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट वेयर प्रॉपर ऑफिसर और कमिश्नर इज सैटिस्फाइड दैट रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू बी विथहेल्ड, ही मे पास द ऑर्डर फॉर रिलीज विथहेल्ड रिफंड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। और ये भी अमेंडमेंट हुई कि अगर कमिश्नर को ऐसा लगा कि भाई मतलब नहीं है विथहेल्ड करके रिफंड को, तो वो रिलीज ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए यहां पे इन केस ऑफ एप्लीकेंट हु बिकम एंटाइटल टू रिफंड आफ्टर बींग विथहेल्ड, ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड टू बी पास बिफोर पासिंग द फाइनल सैंक्शन ऑर्डर। ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट ठीक है पढ़ के जाना, कि पहले कैसा होता था, अगर आपका रिफंड विथहेल्ड किया गया तो और बाद में पता चला कि भाई अब विथहेल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है, तो फिर वो आपको डायरेक्ट सैंक्शन किया जाता था। लेकिन अब डायरेक्ट सैंक्शन नहीं होगा, अगर यहाँ पे विथहेल्ड किया गया तो अब विथहेल्ड का रिलीज ऑर्डर पहले आएगा और रिलीज के बाद सैंक्शन ऑर्डर आएगा, यानी पहले रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड वो ऑर्डर आएगी और बाद में ही सैंक्शन ऑर्डर दी जाएगी। छोटे से अमेंडमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा पढ़ने लायक। तो चलो दोस्तों, या हमने ये चैप्टर की अमेंडमेंट्स कंप्लीट किया, जितनी भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस थे, क्लैरिफिकेशंस थे, हमने यहाँ पे उसको कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, चलो ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है, वेरी 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 अनलिमिटेड, चाहे कुछ भी हो जाए ये पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्लियर। एक सेक्शन 129 है और सेक्शन 129 क्या कहता है देखो, और इससे कनेक्टेड बाकी अमेंडमेंट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। 129 ये कहता है, Notwithstanding to anything contained in this act, ये act में कहीं पे भी कुछ भी बोला हो, where any person transport any goods, stores any goods in transit, contravene provision of the act or rules made thereunder, then their goods, conveyance and documents detain or seize कर लिए जाएंगे। मतलब ये जो provision है section 129 की, ये transporter और warehouse keeper के लिए है।
इंडिया का कोई भी ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस कीपर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है या स्टोर कर रहा है, ये पता चला कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है या स्टोर कर रहा है विद इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो उस गड्डी में, उस ट्रेन में, उस कन्वेंस में जो भी गुड्स होंगे वो भी डिटेन किए जाएंगे, सीज किए जा सकते हैं, कन्वेंस भी डिटेन सीज किया जा सकता है और उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सीज किए जाएंगे। नाउ अब जो भी गुड्स डिटेन हुए हैं वो रिलीज कैसे हो गए, उसमें अमेंडमेंट आया। पुरानी प्रोविजन क्या थी थोड़ा वो समझा देता हूँ। गुड्स और कन्वेंस आफ्टर डिटेंशन ऑफ सीजर शैल बी रिलीज, रिलीज किया जाएगा वेयर ओनर ऑफ गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी। ओनर सामने आए कि रुको ये मेरा गुड्स है, गवर्नमेंट का बताओ किसका गुड्स है, बताओ नहीं तो मैं इस सारे गुड्स को जला दूंगा, तो ओनर आए रुको रुको ये मेरा गुड्स है। तो पहले ऐसा था कि अगर नॉर्मल गुड्स हो और एग्जम्प्टेड गुड्स डिटेन किया हो, नॉर्मल गुड्स हो तो उस पर का टैक्स पूरा देना पड़ता था और पेनल्टी 100% देनी पड़ती थी और उसको सिक्योर्ड भी करना, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। और एग्जम्प्टेड गुड्स में था 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 व्हिच एवर इज लेस या उसकी सिक्योरिटी। अब इसमें मेजर अमेंडमेंट उन्होंने ये लाई कि अब वो टैक्स नहीं मांगेंगे, वो टैक्स तो बाद में नोटिस वगैरह देंगे। अगर आपको ट्रांसपोर्ट गुड्स है और ट्रांसपोर्ट गुड्स रिलीज करवाना है आपके कन्वेंस के साथ, वो टैक्स वगैरह तो हम ओनर को देख लेंगे बाद में, ओनर से कैसे मांगे क्या मांगेंगे भाई, अगर वो रिलीज करवाना है तो उसकी जस्ट पेनल्टी देना है। हाँ ये अमेंडमेंट है, उसकी पेनल्टी देना है और पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स, 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स पेनल्टी बना दिया। मतलब उसका टैक्स वगैरह आप देखेंगे कि वो जो नोटिस जाएगी उसमें मांगेंगे, लेकिन अभी आपको गुड्स रिलीज करवाना है तो 200% की पेनल्टी कर दी है। बाप रे, अप टू 200 नहीं, इक्वल्स टू 200, यानी 200% से कम गवर्नमेंट नहीं मानेगी। एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए वही है, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, वही है। और जो पहले एक सिक्योरिटी की प्रोविजन थी कि भाई अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, सॉरी पैसा नहीं दे पा रहे हो तो सिक्योरिटी दे दो, वो प्रोविजन उन्होंने हटा दिए, वो प्रोविजन उन्होंने हटा दिए, डायरेक्ट यहाँ पेनल्टी 200 और यहाँ पे 2% और 25,000 विच एवर इज लेस अगर ओनर आता है सामने। अगर ओनर नहीं आता है, ध्यान से सुनना, ओनर नहीं आता है तो नॉर्मल केस में पेनल्टी है, पेनल्टी इक्वल्स टू हायर ऑफ द फॉलोइंग 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। सुनिए, ऊपर पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स है, समझ लो आपकी गुड्स की वैल्यू जो है यहाँ पे 100 लाख है जो पकड़े गए हैं, उसका जीएसटी है 12 लाख, तो ओनर आता है तो पेनल्टी इक्वल्स टू 24 लाख हो जाएगी। और ओनर नहीं आता है तो फिर पेनल्टी जो वैल्यू है उसका 50% यानी 50 लाख पेनल्टी, हाँ 50 लाख और 200% ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज हायर, मतलब 200% ऑफ टैक्स पेबल 24 लाख और 50% ऑफ वैल्यू 50 लाख विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी होगी अगर ओनर नहीं आया। और इसमें भी आप टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट टैक्स देने की जरूरत नहीं, मतलब टैक्स तो वो बाद में रिकवर करेंगे आपसे, ओके जिससे भी रिकवर करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट पेनल्टी लगा दी जाएगी और इतना पैसा दोगे तो ही रिलीज किया जाएगा। एग्जम्प्टेड गुड्स में कोई चेंज नहीं, वो पुराने जैसा ही है, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, वो पुराने जितना ही है। इन शॉर्ट इन्होंने पेनल्टी बदल दी है। अब पहले क्या था, पहले ये था कि भाई टैक्स एंड पेनल्टी दोनों भी दो। अब वो टैक्स जो है जिसको नोटिस देना है वो देंगे, ओके क्या करना है वो देखेंगे, पर अभी गुड्स रिलीज करना है तो आपको 200% अगर ओनर सामने आता है तो, नहीं तो 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर अगर ओनर सामने नहीं आता है तो इतना पेनल्टी आपको लगा दिया जाएगा। और अभी अभी हमने देखा था कि यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार साथ में आपको सेक्शन 129 के और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हुए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो था सेक्शन 129 में, उसके बाद में सबसेक्शन वन, यहाँ पे 129 का सबसेक्शन 2 ओमिट कर दिया है, ओके यहाँ पे मतलब अब प्रोविजनल बेसिस पे ये गुड्स रिलीज नहीं होंगे, ये पेनल्टी जब तक आप पे नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं होगा। अब ये प्रोविजनल बेसिस पे,
रिलीज नहीं होगी जस्ट बाय गिविंग सिक्योरिटी एंड बॉन्ड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट, पहले जो नोटिस टू ट्रांसपोर्टर प्रोविजन थी, अब वो देखो उन्होंने अमेंड कर दिए सबसेक्शन 3। प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीज द गुड्स और कन्वेंशनल इशू अ नोटिस विद इन 7 डेज ऑफ सच डिटेंशन एंड सीजर स्पेसिफाइंग द पेनल्टी पेबल। देर आफ्टर प्रॉपर ऑफिसर शल पास द ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर क्लॉज ए बी ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब 7 दिन के अंदर नोटिस देगा और उसके 7 दिन के अंदर वो डिमांड ऑर्डर फाइनल कर देगा कि आपको देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपको नोटिस दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। उसके बाद में फेलियर टू मेक द पेमेंट लीड्स टू कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिए। देखो, वेयर पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स ओनर ऑफ सच गुड्स फेल्स टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पेनल्टी विद इन 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर नहीं दिया, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर लिविंग पेनल्टी। मतलब जैसे गुड्स को डिटेन किया 7 दिन के अंदर नोटिस, उसके अगले 7 दिन के अंदर ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर के 15 दिन में ये पेनल्टी नहीं दी गई तो गुड्स और कन्वेंस सो डिटेन और सीज लायबल टू बी सोल्ड और डिस्पोज अदरवाइज इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर एंड रिकवरी ऑफ पेनल्टी सो पेबल। मतलब यहाँ पे वो गुड्स बेच दिए जाएंगे, 15 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पेनल्टी रिकवर करने के लिए वो गुड्स यहाँ पे ऑक्शन में सेल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 130 में जो सिचुएशन है लायबल टू कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स, कौन कौन से सिचुएशन में कॉन्फिस्केशन हो सकता है, उसमें जो प्रोविजन थी पहले नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेंट, वो नॉट विस्टैंडिंग क्लॉज का निकाल दिया और यहाँ पे ये यहाँ तक स्क्रैच कर दो और यहाँ पे इफ़ के जगह वेयर लाया उन्होंने। वेयर मतलब ये पहले ओवरराइडिंग प्रोविजन थी, अब ओवरराइडिंग नहीं, अब उन्होंने लाया कि वेयर एनी पर्सन, ओके ये केसेस में आता है तो उनके गुड्स कॉन्फिस्केट किए जाएंगे। और यहाँ पे जो जो फाइन है सेक्शन 130 की, जो फाइन है वो फाइन जो उन्होंने चेंज कर दी और वो कहा अमाउंट ऑफ फाइन लेवीबल शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस टैक्स चार्जेबल, और एग्रीगेट ऑफ फाइन एंड पेनल्टी लेवीबल शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट इक्वल्स टू 100% ऑफ टैक्स पेएबल ऑफ सच गुड्स। मतलब पहले क्या था, पहले आपको सेक्शन 129 उतनी पेनल्टी देनी पड़ती थी, पर अब ये 129 से डीलिंग कर दिया गया, और अगर आपके गुड्स कॉन्फिस्केट कर दिए गए तो आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू लेस टैक्स या फिर एग्रीगेट ऑफ फाइन और पेनल्टी लेवीएबल शैल नॉट बी लेस देन, मतलब जो भी फाइल लगाई जा रही है ओके वो आपकी फाइन, मतलब आपकी, एक बार फिर से थोड़ा उसको रिस्ट्रक्चर करता हूँ कि आपकी कॉन्फिस्केशन फाइन कितनी होगी, तो आपकी कॉन्फिस्केशन फाइन जो गुड्स की मार्केट वैल्यू है मैक्सिमम उतनी जा सकती है लेस टैक्स चार्ज, बट मिनिमम इक्वल्स टू 100% ऑफ टैक्सेबल, इतना तो फाइन लगाना ही पड़ेगा, मिनिमम फाइन आपकी इतनी तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। वेयर एनी फाइन इन लियो ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, देखो और क्या उन्होंने क्लॉज ओमिट किया, देखो वेयर एनी फाइन इन लियो ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस इज इम्पोज द ओनर ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस रेफर्ड अंडर सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन बी लायबल टू एनी टैक्स पेनल्टी और चार्जेस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस। हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने और एक बहुत अच्छा बेनिफिट किया कि भाई जो पहले क्लॉज था कि आपको इन एडिशन टू दिस फाइन पेनल्टी आपको जो है टैक्स भी देना पड़ेगा ये भी देना पड़ेगा, अब वो सब हटा दिया है। उन्होंने कहा कि आपको इतना दे दो, बात को सेटल करो, यानी इन्होंने बहुत अच्छा प्रोविजन लाया सेक्शन 129 और 130 में। 129 और 113 में टैक्स वगैरह का उन्होंने निकाल ही दिया, वो टैक्स वगैरह जान दो, देखेंगे बाद में अभी क्या है, एक्चुअली वो टैक्स अब डिमांड भी नहीं करेंगे,
अब वो टैक्स डिमांड भी नहीं करेंगे, 200% दो बात को खत्म करो, या 50% ऑफ वैल्यू और 200% बात को खत्म करो, यानी एक तरह का थोड़ा इजी कंप्लायंस इन्होंने लाया। क्योंकि पहले क्या होता था, टैक्स भी दो, इंटरेस्ट भी दो, पेनल्टी भी दो, अब वो कहते हैं कि छोड़ो जाने दो वो टैक्स वगैरह, इतना पैसा दो बात को खत्म करो। कॉन्फिस्केशन हुआ है तो मार्केट वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम 100% ऑफ टैक्स, इसमें से कोई भी अमाउंट ऑफिसर डिसाइड करेगा, इतना पैसा दो बात को खत्म करो। यानी अभी बहुत अच्छा प्रोविजन लाया इन्होंने, रियली बहुत अच्छा प्रोविजन लाया, बात को खत्म करो, ओके, गुड्स रिलीज करके लेके जाओ। तो एक तरह का रिलैक्सेशन दे दिया गया, यानी अब वो जो प्रोसीडिंग टैक्स की थी, इंटरेस्ट की थी, वो पुरानी प्रोसीडिंग पड़ी है, वो डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग पड़ी है, टैक्स भी दो, पेनल्टी भी दो, ये भी करो, नहीं, इतना फटाफट भरो 200%, अगर ओनर सामने आता है 129 में, या फिर नहीं आता है तो 50% ऑफ वैल्यू और ओके 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज आया तो वो पे करो। सेक्शन 130 में कॉन्फिस्केशन होता है तो मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम 100% ऑफ टैक्स, इतना पे करो और ख़त्म करो, ओके, इतना पे करो और ख़त्म करो यहाँ पे, और गुड्स को लेके जाओ। तो इन शॉर्ट डिटेंशन सीजर में जो पहले प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाती थी कि टैक्स की नोटिस, इंटरेस्ट की नोटिस, इसका नोटिस, फिर पेनल्टी का नोटिस, अब उन्होंने एक झटके में काम खत्म कर दिया, पे करो और गुड्स को लेके जाओ, बात खत्म। अब आपका सवाल आएगा कि सर क्या फिर अगर हमने ये 100% पे कर दिया या वो हमने 200% पे कर दिया तो क्या बाद में टैक्स और इंटरेस्ट मांगा जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं, ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप ये अमेंडमेंट की प्रोविजंस पढ़ते हो तो अमेंडमेंट्स की प्रोविजन से क्लियर कट ये मैसेज आता है, क्योंकि उन्होंने जो ओके यहाँ पे ये पॉइंट डिलीट कर दिया, तो अमेंडमेंट की प्रोविजन से ये मैसेज आता है कि वो बाद में टैक्स इंटरेस्ट का कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं लेंगे अगर आपने ये पैसा पे कर दिया तो, सीधा सीधा वही प्रोसीडिंग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट अभी अभी हमने देखा कि सेक्शन 74 में जो एक्सप्लेनेशन था, वो एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि सेक्शन 129 और 130 का जो प्रोसीडिंग था, ओके, पहले ये कहा जाता था कि अगर मेन पर्सन ने टैक्स दे दिया, मेन पर्सन ने टैक्स दे दिया तो 129 और 130 का प्रोसीडिंग भी अगर ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में लिया होगा या वेयरहाउस कीपर के अगेंस्ट में लिया होगा तो वो कंक्लूड कर लिया जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि 129 और 130 की प्रोसीडिंग की पेनल्टी आपको आएगी 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 और वो आके रहेगी, ओके, वो आके रहेगी। आपको अगर अपने गुड्स रिलीज करवाना है तो 129 और 130 की पेनल्टीज आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट विद सिक्योरिटी बॉन्ड वो निकाल दिया गया और यहाँ पे चीज़ों को सेटल करके गुड्स का रिलीजमेंट ऑर्डर दे दिया गया, आप अगर फटाफट दिस अमाउंट पे कर देते हो। तो यहाँ पे ये यह अमेंडमेंट हुआ बेटा सेक्शन 144 में, अगर ऑक्शन में जाए तो किस तरह से, सेक्शन 144 में अगर ऑक्शन में जाता है तो उसका पैसा कैसे अप्लीकेबल करवाया जाएगा, तो ये आप रीड कर लेना, ओके, प्रोसीडिंग कैसे यूज़ की जाएगी ये आपने रीड कर लेना। तो इस तरह से ये चैप्टर की अमेंडमेंट्स यहाँ हमारी एंड होती है। डन बेटा, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं अपील एंड रिवीजन। चलिए तो यहां देखते हैं अपील एंड रिवीजन, इसमें क्या एक छोटी सी अमेंडमेंट है और वो है प्री डिपॉजिट्स रिलेटेड, जो मैंडेटरी डिपॉजिट्स होते हैं। ये मैंडेटरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं बेटा, अगर आपको अपेलेट अथॉरिटी में अपील फाइल करना है या ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना है तो आपको डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं, यानी आपको टैक्स तो देना ही पड़ता है, टैक्स इंटरेस्ट फाइन जो भी आपने अग्री किया है वो तो आपको पूरा ही देना पड़ता है, और डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% आपको देना पड़ता है अगर आप अपील ए के पास फाइल कर रहे हो, तो इतना डिपॉजिट रखना पड़ता है। लेकिन उसमें एक प्रोविजो ऐड हुई और ये प्रोविजो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड टू ए अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 129(3) अनलेस सम इक्वल्स टू 25% ऑफ पेनल्टी हैज बीन पेड बाय एप्लीकेंट। लेकिन अगर अपील सेक्शन 129(3) की होगी, यानी ट्रांजिट में आपके गुड्स डिटेन किए होंगे,
तो आपको मिनिमम 25% ऑफ पेनल्टी, यानी आपकी पेनल्टी जो भी लगी होगी, 200% लगी होगी या 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लगी होगी, तो जो भी पेनल्टी लगी होगी 129(3) में और उसकी अपील होगी, तो आपको मिनिमम 25% तो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा, तो ही आपकी अपील एंटरटेन की जाएगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये प्रोविजो यहाँ पे इतना सा ऐड हुआ है अपील चैप्टर में, इसके अलावा और कोई दूसरा एडिशन नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर की अमेंडमेंट्स हमारी यहाँ एंड होती है। फिर आते बेटा मिसलेनियस प्रोविजन में। चलो, तो मिसलेनियस प्रोविजन में सेक्शन 151 चेंज हुआ है बाय फाइनेंस एक्ट, और पहले दे पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक मतलब बैंक के पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पास है, बहुत सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो बहुत सी बार जीएसटी असेसमेंट में वो स्टैटिस्टिक्स काम आते हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है कि आपके सब स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करो इस क्लाइंट के, भाई विजय माल्या के, इसके उसके जो भी बड़े, विजय माल्या तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन जो भी बड़ा आदमी है, तो उसमें अमेंडमेंट लाया उन्होंने, देखा क्या क्या किया है, कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम मे ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, या यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो स्टैटिस्टिक अपने पास रखती है, बीएससी हो, एनएससी हो, ओके रजिस्टर्ड ऑफिस हो, कोई भी जिनके पास सारा इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक है, डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर डेल्ट विथ इन कनेक्शन विद दिस एक्ट विद इन सच टाइम इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो पहले थोड़ा लेंदी प्रोविजन था फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब निकाल दिया और सिंपल, अब किसी भी पर्सन को कमिश्नर ऑर्डर दे सकता है कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये फॉर्म में चाहिए, विद इन दिस टाइम चाहिए, और उस पर्सन को सारी इंफॉर्मेशन विद इन टाइम सबमिट करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद में 12 ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, उसमें इंडिविजुअल रिटर्न जो है वो निकाल दिया है उन्होंने। ओके, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी बंदे की इन्फॉर्मेशन जो है पेपर में पब्लिश करना है या कोई सोशल मीडिया में पब्लिश करना है, कहीं भी परमिशन करना है, तो यहाँ उसका कंसेंट होना ज़रूरी है। तो अब इन्होंने, पहले वर्ड था नो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर गिवन इन पर्पज ऑफ सेक्शन 151(51) शैल विदाउट प्रीवियस कंसेंट ऑफ कंसर्न पर्सन और इज ऑथराइजेशन बी पब्लिश इन एनी मैनर, मतलब कंसेंट लेना था, अब एनी इंडिविजुअल रिटर्न वगैरह निकाल दिया है, मतलब अब ये ओपन कर दिया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिश करनी है तो आपको सबसे कंसेंट लेना जरूरी है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना भी जरूरी है। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का टाइम पीरियड उन्होंने और 5 साल एक्सटेंड किया है। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट हुई है मिसलेनियस प्रोविजन में। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारी सारी अमेंडमेंट्स जीएसटी की रिगार्डिंग टू मिसलेनियस प्रोविजन एंड होती है। चलिए बेटा, तो जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स हमने कवर कर ली, छोटी बड़ी जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू थी, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की आपको। ठीक है, बेटा अमेंडमेंट नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, वो आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम लिंक में आपको अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएगी। डन। अब आते हैं अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं, कस्टम में जो मैंने नोट्स में अमेंडमेंट दिया है, ये वैसे तो सेक्शन में, नोटिफिकेशन और सर्कुलर में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है,
आपके अटेम्प्ट को कस्टम्स में कोई भी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल नहीं है, मतलब कोई एडिशन ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ये रूल दिए है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 2017, ये स्टेचुटरी अपडेट्स में दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रूल्स भी आपको नहीं पूछेंगे या इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन स्टेचुटरी अपडेट्स में दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे भी नोट्स में कवर किया है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर कोई आपको सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये रूल्स जो है यहाँ पे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी ये स्पेशल केस में अप्लीकेबल होते हैं, और स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया है इसलिए मैंने थोड़ा इजी करके ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को रीड करना है तो कर लेना, नहीं करना है, छोड़ना है तो वो भी छोड़ सकता है, ठीक है। पर मेरा काम है कि मेरे नोट्स में सब कवर कर लेना, कल जाके आप ब्लेम ना करें कि कवर नहीं था, ठीक है। तो यह जिसे मैं रूल्स से रिलेटेड ये कहूँगा कि जिसको पढ़ना है ये रूल्स पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई वो सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये स्पेशल केस में अप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कहूँ तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया है 15-20, उसकी डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है, और अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की डेट सितंबर तक कर दी है, मतलब नवंबर 22 एग्ज़ाम के लिए जो मैंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ाई थी लास्ट अटेम्प्ट के लिए वही कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो IGST और GST एग्जम्पशन की डेट्स उसके अंदर थी, वो भी डेट्स उन्होंने सब यहाँ पे 30 जून 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो जहाँ पे भी आपको 31 मार्च 2022 की डेट दिखेगी IGST की एग्जम्पशन की अलग अलग स्कीम में, उसकी डेट उन्होंने 30 जून 2022 कर दिया है, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट हुई है, और एक ये प्रोसीजर दिया है उन्होंने, रिजेक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिवाइज एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ये फिर से कहूँ, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, पर वैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो FTP में कोई अमेंडमेंट्स नहीं, कस्टम्स में कोई अमेंडमेंट्स नहीं, और जो भी कुछ मैंने यहाँ प्रोसीजर रूल्स दी है मैंने यहाँ कवर की है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, और आपको पढ़ना है तो आपने रीड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारी अमेंडमेंट्स यहाँ एंड होती है। जैसा मैंने कहा, इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं थी, और जो भी थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थी हमने यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। चलिए, अब आपका एक सवाल होगा कि सर हमने स्टडी प्लान कैसे करना चाहिए और प्रायोरिटीज़ कैसे फिक्स करनी चाहिए, GST में कौन से चैप्टर्स पहले हमने करने चाहिए, क्या करने चाहिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया आपको स्टडी प्लान की, वो ज़रूर देखें तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा IDT सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा बेटा कि यहाँ आपने ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से हुआ है, ये क्लेम करो, एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दो कि यस, आपने रेगुलर बुक में सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसलिए फटाफट रिवाइज में मेरे चैप्टर वाइज रिवीजन जो है, जो मैं YouTube पे अपलोड करता हूँ वो आप देख लो, साथ साथ में अमेंडमेंट देख लो, और जितना जल्दी हो सके अपना एक सिलेबस कंप्लीट करके क्वेश्चनर्स पे आओ। अगर आपको लास्ट टाइम में यहाँ पे मार्क्स नहीं आए या 40-50s में आए, मतलब आपके राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, इस बार आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हर 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है क्वेश्चनर के, जो आपको पूरे लिख कर देखने हैं। कोशिश करो कि पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज अगर आपको मिलती है, वी स्मार्ट में भी एग्जाम प्रेप में पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी, मतलब सॉरी 100 मार्क्स के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज दे सको उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, एक महीना तो सिलेबस में चले जाएगा। भाई मैं कहूँगा रेगुलर बुक जहाँ ज़रूरत है वहीं पढ़ना,
सीधे सीधे चार्ट्स उठाओ, चार्ट बुक्स उठाओ, ये मेरी अमेंडमेंट्स है, साथ में देखो, वीडियोस देखना है तो वीडियोस देख लो। सभी वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई हो गया, आरसीएम हो गया, कंपोजिशन स्कीम हो गया, वो तो आप चार्ट से फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चनियर सॉल्व करोगे उतना आपको ज़्यादा हेल्प होगी। अगर कोई स्टूडेंट मेरा बूस्टर कोर्स बाय करना चाहता है तो बूस्टर कोर्स वो बाय कर सकता है, उसमें यही जो मैंने अमेंडमेंट्स पढ़ाए यही अमेंडमेंट्स उसमें कवर्ड है। तो आपको अमेंडमेंट वीडियो फिर अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, बूस्टर में ऑलरेडी मैंने सब कुछ कवर करके रखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो बूस्टर रिविजन वीडियोज़ आप जो है वो देख सकते हो, और वो आपको बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ओके शायद लेट ज्वाइन हुए हैं या यही लेक्चर देख रहे हैं, तो अमेंडमेंट नोट्स कहाँ मिलेगी? तो अमेंडमेंट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, इस टेलीग्राम लिंक पे जाओ, वहाँ अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएगी, या फिर vsmartacademy.com/vishalsir, vsmartacademy.com/vishalsir, वहाँ पे आपको अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूँ कि अब बेटा रिजल्ट लगने को अच्छा खासा टाइम हो गया है, बाहर निकल जाओ, जो भी हुआ ठीक है, अब आने वाला टाइम आपके पास है, पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ आपको पढ़ना है, आपको फिर से एक वो कहते हैं ना बाउंस बैक करना है। देखो फेलियर तो सबके लाइफ में होती है, मेरे लाइफ में भी हुआ है, हम भी फेल रहे हैं, फिर वापस अपने कोशिश की है और आज ये स्टेज पे आप हमें देख रहे हो। नॉट ओनली के स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सी बार फेल हुए हैं, पर गिरकर फिर से खड़ा होना इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं, और ये ज़िंदगी आपको बहुत अच्छे से जीनी है। और जब अब आप खड़ा होगे तो आप अब लड़खड़ाओगे नहीं, अब पूरी हिम्मत के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ और अपनी पूरी डिज़ायर के साथ आने वाला अटेम्प्ट आपको यहाँ पे अच्छे से देना है और यस कैच करना है। जहाँ तक क्वेश्चनर की बात है तो क्वेश्चनर अगर आपके पास लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चनर होगा तो लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चंस ऐड होंगे वो मैं टेलीग्राम लिंक में आज अपडेट कर दूंगा जो भी ऐड हुए हैं। लेकिन अगर किसी के पास क्वेश्चनर उसके पहले का है तो मैं स्ट्रांगली ये कहूँगा कि वो क्वेश्चनर हमारे वेबसाइट से बाय कर ले। तो नया क्वेश्चनर्स बेटा कोई ज़्यादा प्राइस है ही नहीं, एक मूवी जब आप दोस्त लोगों के साथ जाते हो जितनी प्राइस है उतनी ही प्राइस यहाँ पे है, तो स्टडीज़ के लिए क्या देखना बेटा। तो यहाँ पे मैंने हाँ एक बात आपको ये कह दूँ कि क्वेश्चनर्स में सीबीए जो ऑफेंस वाला पेनल्टीज़ का है वो चेंज नहीं हुआ, जो ऑफेंस वाली पेनल्टीज़ है तो वो चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चनर में, तो अकॉर्डिंगली आपने वो चेंज कर लेना है। बाकी सब अमेंडेड है, अपडेटेड है, सिर्फ ये जो था नोटिफिकेशन बाद में आया पेनल्टी वाला, और तब तक क्वेश्चनर प्रिंट हो गए थे। तो क्योंकि जब आप मेरे वीडियो सुनोगे क्वेश्चनर के साथ तो वीडियोज़ में तो मैंने कहा ही है कि वो आपको चेंज करना है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपने ये अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंगली कर लेना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपने अमेंडमेंट्स एंजॉय की होगी, और बेटा जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करो, क्वेश्चनर पे आओ, जितनी ज़्यादा क्वेश्चनर सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे और टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर दोगे उतना आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए तो मैं आपको आने वाले अटेम्प्ट में सीए देखना चाहता हूँ कि आपके नाम के सामने सीए लगना जरूरी है। सर योर एफर्ट्स आर वेरी सुपर्ब, योर चार्ट्स रिविजन वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, आई गॉट 58 मार्क्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू हरप्रीत बेटा, चलिए दोस्तों तो मिलते हैं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आप जुड़े रहिएगा यूट्यूब से, वैसे सोशल मीडिया कम कर दो, वीकली एक दो बार ही ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा मैं आपको इतना कह दूँ कि आप अगर इंस्टा पे, मैं सैटरडे संडे आते रहता हूँ,
थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट भी करता हो, तो गाइड भी करता हो कि आपने क्या करना चाहिए। तो आप मेरा पर्सनल इंस्टा CA_Vishal_Bhattad, ओके, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप सैटरडे संडे इंस्टा यूज़ करते हो, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली संडे आता हूँ, तो संडे में अगर कोई, मुझे लगता है कोई मैंने आपको इम्पोर्टेंट एरिया बताना चाहिए कि यहाँ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो या अटेम्प्ट के लिए, या फिर कोई स्पेशल डिस्कशन मुझे करना है, या थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करना है, या एग्जामिनेशन टिप्स देनी है, तो मैं इंस्टा से आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, प्रोबेबली संडे इवनिंग में मैं आता हूँ इंस्टा पे। ओके दोस्तों, ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।